दिन है इतवार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके? तो जी हां, आज है इतवार यानी रविवार यानी कि संडे, और मैं कर रहा हूं आपके लिए रिकॉर्ड लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 कौन से चैप्टर का? एमईसी का, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम प्यार से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी बोलते हो। कैसे हो सब? मजे में? बहुत बढ़िया, शाबाश। किम छो मजमा पप्पा इन पजामा। आज बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। रिवाज के अनुसार देखते हैं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आज देखते हैं कि भाई क्या पढ़ने वाले हैं। तो यार आज देख रहा है विनोद, आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर? आज गुरुजी पढ़ाएंगे, एक तो लास्ट क्लास में जो अपना रह गया था सॉलिड इनफाइनाइट वायर, उसको फिनिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कुछ याद आया? कही थी मैंने तुमसे, मैंने तुम्हें समझाई थी कि इस चैप्टर में जो है, एक मिनट ये देख लू भाई की जो है लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है भाई, आवाज आ रही है चकाचक, नहीं तो दिल कर मासों में बह जाएंगे और हम वफा करके भी तनहा रह जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था कि इस चैप्टर को दो भागों में बांटेंगे, एक भाग यानी एक पार्ट जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। बहुत हो गई मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उस पर चर्चा की जाएगी। हमने कहा ठीक है, तो भाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है? यस सर, वैसा ही कुछ है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और लगेगा आज पीवाईक्यू का मेला, ठोको ताली, ओ गुरु ठोको। सही है, पीवाईक्यू का मेला लगेगा आज की क्लास में। आपको कम से कम ट्राई करूंगा कि कम से कम 20 एक पीवाईक्यू सॉल्व करवा दूं। अगर ये पूरा जो मैं कंटेंट लेके आई आज हमने पढ़ लिया, इस कंटेंट में जो है 20+, जी हाँ 20+ पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर से, एमईसी से दो क्वेश्चंस आए थे 2023 में, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और एक क्वेश्चन अभी आगे का जो पार्ट बचा है उससे रिलेटेड है, ठीक है सर। तो लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करा दो गुरुजी। अरे बहुत ही फर्जी सवाल था, बोगस सवाल था, 2020 का सवाल था। देख लो, मतलब सवाल तो आते हैं सर, और कैसा सवाल है। इस सवाल का स्तर देखो, औकात देखो, इस सवाल ने इजी होके अपनी औकात दिखा दी। देखो भाई, अलॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर दे देगा और तो क्या है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है सोलेनोइड का, लॉन्ग सोलेनोइड बोल दिया। कैसा सोलेनोइड बोल दिया? लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वाला, ठीक है। हैविंग 100 टर्न्स, अब यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, क्या दिए हुए, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कैपिटल एन दिया, स्मॉल एन, गुरु जी कैपिटल एन दिया, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज, अबे जा मुझे सिखा रहा है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, यही होता है, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, हाँ या ना? यस सर। अब यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और क्या बच्चे की जान लोगे? यस सर। सारी वैल्यूज पुट कर दे बेटा जी, बोलो। यस सर। क्या क्या वैल्यूज होगी बेटा? 4π × 10⁻¹⁷ किसकी वैल्यू होगी, जल्दी बोलो गुरु जी, ये वैल्यू होगी किसकी, म्यू नॉट की। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, ध्यान रहे 50 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 50/100 मीटर, यस सर, यानी हाफ ऑफ मीटर, है ना, बच्चा बच्चा जानता है 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, ओके। यहां पे लेंथ को डिवाइड कर दिया और करंट का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2.5, हां सर पता है, ये हाफ नीचे 1/2 पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर क्या आ रहा है। 4π × 10⁻¹⁷ इंटू, यहां पे क्या लिखा हुआ, 100, ये 2 पर चला गया, 100 × 2.5 × 2, बोलो क्या बोलती पब्लिक, नागपुर की पब्लिक, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो, हाँ मेरी जान, 2.5 × 2 5 × 100 500, अच्छा मैं सिखा रही है, कितना हो गया 4 × 500, 500 के कड़क कड़क एकदम मस्त कड़क नोट में आपको 4 नोट दे दूं तो भी आप ऐसे करोगे, एकदम कड़क माल है, सही बात है, मैं आपको 500 रुपए के 4 नोट दे दूं तो मतलब मैंने आपको कितने रुपए दे दिए, गुरुजी पता नहीं कब दोगे आप 500 के 4 नोट हमको, 500 × 4 2000, 500 × 4 2000, तो अगर 2000 कितना गया, 2000π × 10⁻¹⁷, तो बेटा 1 2 3 1 2 3 10 की पावर 3 × 10 की पावर माइनस 7 कितना हो गया, 2 ×
पाई 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कितना होगा 10 की पावर माइनस 4। और बच्चा बच्चा जान रहा है 2 पाई का वैल्यू होता है 6.28, ऑप्शन है बिल्कुल है, नहीं तो बेइज्जती हो जाती। 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्या कद्दू, कद्दू नहीं टेस्ला, बोलो कद्दू। ये सर हो गया सॉल्व, बिल्कुल सर सॉल्व हो गया, इसमें कौन सी खास बात है, हमारा भी आ गया था सर आंसर ऑप्शन ए 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। देखो बेटा यहां से शुरू हो रहा है इसका सॉल्यूशन, गुरु जी साइड हटोगे तो देखेंगे, ले भाई देख ले। अरे डन हो गया क्या? हाँ गुरु जी डन हो गया, बहुत ही फर्जी सवाल है, बोगस सवाल है एकदम। चले आगे, हाँ सर चलते आगे, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या था होमवर्क का, देखो भाई सर अगला सवाल है फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर द फॉलोइंग लूप्स, डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन हैज टू बी डन इज परफॉर्म, है ना, हैज टू बी परफॉर्म इज इंडिकेटेड बाय एरोस। यहाँ पे आपको रेफरेंस एरो दे रखे, कितने लूप है, चार लूप है, लूप वन, लूप टू, लूप थ्री एंड 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 लूप फोर। अब देखो यार डायरेक्शन बना लो फटाफट से, ठीक है ना, डायरेक्शन अबे आप तो बने बनाए डायरेक्शन, ये कैसा है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू, ये कैसा है इस लूप में क्लॉकवाइज, इसमें कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसा है क्लॉकवाइज, डन, यस सर। अब देखो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या होता है, बेटाओ भियाओ बादशाओ गुरु जी होता है आई इनक्लोज्ड। अब एक एक में देखो कि भाई आई कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, समझो रेफरेंस एरो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया, अंगूठा कहां आया बाहर, बाहर मतलब डॉट कैसा हो गया पॉजिटिव, ठीक है डॉट पॉजिटिव, ये भी डॉट है तो यहाँ पे करंट डॉट पॉजिटिव, ये भी डॉट है तो कैसा आ जाएगा प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। अरे कैसा आ जाएगा बेटा प्लस आई। अब इधर देखो ये कैसा है क्लॉकवाइज, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया इस लूप में, सेकंड लूप में देखो क्लॉकवाइज, तो अंगूठा आया अंदर, अंदर आया मतलब रेफरेंस एरो से अंगूठा अंदर आ रहा, मतलब अंदर मतलब क्रॉस कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये कैसा ठहरा, ये तो डॉट ठहरा, क्रॉस पॉजिटिव है तो डॉट है, डॉट पॉजिटिव है मतलब सॉरी क्रॉस पॉजिटिव है डॉट है, क्रॉस पॉजिटिव है लेकिन ये तो डॉट है, मतलब ये डॉट कैसा हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया माइनस आई, ठीक है। अगेन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड की फिंगर को कर्ल किया एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा आया बाहर, रेफरेंस के हिसाब से अंगूठा बाहर आ रहा है, बाहर यानी डॉट हो गया पॉजिटिव, डॉट कैसा हो गया पॉजिटिव, डॉट कैसा हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये तो क्रॉस है तो माइनस हो गया। अब यहां पे देखो लास्ट लूप में कैसा है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड की फिंगर्स को कैसे कर्ल करो क्लॉकवाइज कर्ल करो, अंगूठा कहां आ रहा है अंदर, अंदर यानी क्रॉस, तो क्रॉस कैसा हो गया बेटा, अरे समझ गए गुरुजी पॉजिटिव, ये तो डॉट है तो आ गया माइनस आई, तो क्या आ गया प्लस, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो कितना हो गया प्लस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, बोलो समझ में आई कितना आ गया, आई से आई शहीद हो गया, हाँ गुरु जी माइनस आई माइनस आई माइनस टू आई, तो हो गया माइनस टू म्यू नॉट आई, वास्ता हमारा भी तो यही आ रहा था, बहुत बढ़िया बधाई हो, बधाई हो, माइनस टू म्यू नॉट आई हुआ है क्या। ये पोर्शन कल रह गया था, इसको आज निपटा देते हैं, कल इसका ही चचेरा भाई देखा था हमने जो कि अंदर से होलो था, यस सर है ना, ये उसका चचेरा भाई है, ये अंदर से होलो नहीं है सॉलिड, और ये कैसा है इनफाइनाइट, मतलब आप ये मान के चलो यार वो आज स्टूडियो चेंज हो गया तो वो वहां की बॉटल भी फ्रेशनर वाली बॉटल भी वही रह गई। देखो इधर यार इस तरीके से आप इसको भावनाओं को समझो ना यार, आप इस तरीके से आप इसको सॉलिड सिलेंडर मान लो, क्या मान लो सॉलिड सिलेंडर, अब हमें देखना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब ऊपर नीचे चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लेकिन ये सॉलिड है खोखला नहीं है, अंदर इसमें माल है मसाला है एयर नहीं है, तो अब जो इसमें से करंट फ्लो होगा ना, पहले तो क्या हो रहा था जब वो हॉलो था तो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस से बाहर बाउंड्री से करंट फ्लो हो रहा था क्योंकि अंदर हवा थी, हवा से करंट फ्लो नहीं हो सकता, अरे सर नो, यस सर बिल्कुल सर ठीक है ना। अब इसकी पूरी वॉल्यूम से इसकी पूरी एरिया से क्या होगा, इसकी पूरी एरिया से तो लीक करने लगा भाई, कोई बात नहीं है ना, कोई जाने दो इसको लीक करने लगा है, ठीक है। अरे समझ में आ रही है क्या बात, हाँ सर गुरु जी बिल्कुल समझ में आ रही है, तो अब जो करंट जाएगा आई वो इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाएगा, वो इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वही जो लास्ट केस में था वही उद्देश्य है कि इनसाइड पॉइंट पी सरफेस पॉइंट क्यू और आउटसाइड पॉइंट आर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है सर। कैसे निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, एसीएल लगा के, हाँ सर। अब मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम रहेगा क्यू और आर के लिए, क्यों, क्योंकि क्यू पॉइंट पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने एक एम्पियर लूप ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक एम्पियर लूप ले लिया जो क्यू पॉइंट से होके गुजर रहा है, ठीक है सर। तो यार मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे वायर से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो क्यू पॉइंट को क्या मतलब है
कि वो करंट पूरे एरिया से जा रहा है, सरफेस से जा रहा है? मैं तो बोलूंगा क्यू पॉइंट से जो एम्पियर लूप पास हो रहा है उसके इस एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट है? आई करंट है, यस। तो अभी भी वही रिजल्ट आएगा जो कल आया था। तो यहां पे हमको क्यू के लिए और आर के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर के लिए भी क्या है भाई, आर को, आर पॉइंट को क्या मतलब है कि इस वायर से करंट इसके सर्कमफ्रेंस से जा रहा है कि इसके एरिया से जा रहा है? भाई आर पॉइंट पे से गुजरता हुआ जो एम्पियर लूप बनाया है उसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है टोटल आई? तो Q और R के लिए जो रिजल्ट है ना बेटा वो कैसा है? वही का वही है जो कल पढ़ा था। क्या तुम्हें याद है? यस सर, बिल्कुल याद है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया Q के लिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो गया Q के लिए यानी सरफेस के लिए, यानी सरफेस वाले पॉइंट के लिए कितना हो गया बेटा बोलो? गुरुजी वही था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियस। यस सर, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियस, क्योंकि यहां पे स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाता है? कैपिटल r हो जाता है। अरे याद है कि नहीं याद है? हाँ गुरुजी बिल्कुल याद है, है ना। ये देखो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये स्मॉल आर कितना हो गया बेटा? कैपिटल आर हो गया, यस सर। और यहाँ पे हो गया स्मॉल आर, डन है? हाँ सर डन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है ना, क्योंकि आर पॉइंट का है बेटा आउटसाइड है, तो बी आउटसाइड। सुन रहे हो कि इग्नोर कर रहे हो? जो मेरी बात इग्नोर करेगा वो हमेशा के लिए सिंगल रह जाएगा। मोए 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 मोए, गुरुजी सिंगल रहने का हमको श्राप मत दो, पढ़ाई लिखाई सब धरी रह जाएगी, क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का अगर हम सिंगल ही रह गए तो। तो ये कितना आ गया देखो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय बाहर वाले पॉइंट के लिए कितना हुआ? ये बाहर वाला पॉइंट x से कितना दूर है? r डिस्टेंस पर है, तो आ गया 2 पाई r। क्या ये प्रीवियस वाला ही रिजल्ट है? क्या प्रीवियस वाला ही रिजल्ट है? यस सर। तो अभी अंदर वाले का भी निकालते हैं। तो यहां पे जो ग्राफ में आप देखो, अभी आप इस वाले पार्ट को आप इग्नोर करो, इस वाले पार्ट को, ये स्मॉल r इक्वल्स टू r क्या हो गया गुरुजी? सरफेस, यस सर। उसके लिए कितना रहा? अरे आप, मैं क्या कह रहा हूं, आप इस वाले पार्ट को, क्योंकि अभी इनसाइड वाला हमने देखा नहीं, इसको आप इग्नोर करो। तो ये सरफेस पर और उसके बाहर वाला रिजल्ट एकदम सेम है, रेक्टेंगुलर आई पर बोला, यस सर। अरे हाँ है ना, यस सर। तो सरफेस पर कितना हो रहा है बताओ गुरुजी? सरफेस पर हो रहा है स्मॉल r बराबर कैपिटल r पर, ये हो रहा है गुरुजी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। और ये जो है ये घटता जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा हो भैया हो, यहां पे जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था, बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है तो ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, यस। तो ये क्या हो गया बेटा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये वाला साइड, ये वाला पार्ट कैसा हो गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब गुरुजी इनसाइड के लिए भी बता दो, बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं ना, ये जो मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, ये बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक हो सकता है और यहां पे अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग तो हो ही जाएगी। तो आप रेडी हो? हाँ सर बिल्कुल रेडी। अब सर आप तो काम की बात करो, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा ये बताओ? पी पॉइंट पर जो, हेलो हेलो पी, सीधा बैठ, देख पा रहा हूं कि तू जो है फोन में बाबू सोना का मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, बाद में रिप्लाई करना। पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहिए, ठीक है। एम्पियर सर्किट लूप बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? एम्पियर सर्किट लूप बना दिया, कहां से पास हो रहा है? पी पॉइंट से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? पी पॉइंट से। हमने बोला ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है एक्सिस से वो कितना हो गया? स्मॉल आर। कितना हो गया बेटा? स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना हो गया? स्मॉल आर हो गया। बोलो डन है क्या? हाँ सर डन है। अब जो P पॉइंट से एम्पियर सर्किट लूप पास हुआ है मुझे देखना है इसके अंदर कितना करंट। अब आप ही नहीं बोल सकते इसके अंदर आई करंट है, क्यों? क्योंकि आई करंट तो पूरे क्रॉस सेक्शन, पूरा क्रॉस सेक्शन समझते हो? हाँ सर। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है क्रॉस सेक्शन, ये दो, ये जो मैंने ऐसे शेड कर दी ना आप, अच्छा सर ये पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है? पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है गुरुजी? आई करंट पास हो रहा है, हाँ है ना। तो क्या बेटा आपको यूनिटरी मेथड आता है? हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है। बस फिर अपना काम हो गया। कैसे? देखो यार ऊपर से कोई इस वायर को देख रहा होगा, कैसे? यहां से ये आईज बना देता हूं मैं। अरे बहुत इजी है, 5 मिनट के अंदर डन हो जाएगा। ऐसे ही आईज बना दी, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये ऊपर से इस वायर को देख रहा है, ये ऊपर से इस वायर को देख रहा है ऐसे। तो इसको ये वायर कैसा दिखेगा ऊपर से बेटा? सर्कुलर दिखेगा। अरे आप मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, आप खुद ऊपर से इस वायर को ऐसे देखोगे तो आपको ये वायर कैसा दिखेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, हाँ सर। और आपको पता चलेगा इस पूरे के पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट आ रहा है आपकी तरफ, आई आपसे दूर जा रहा है, वॉट एवर, है ना। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस कैपिटल आर का, कितने रेडियस का? कैपिटल आर रेडियस का पूरा करंट जा रहा है। लेकिन आपको कितने क्रॉस सेक्शन में करंट देखना है गुरुजी? हमें तो स्मॉल आर के रेडियस से मतलब है, स्मॉल आर
के रेडियस वाले क्रॉस सेक्शन से मतलब है, यस और नो? यस सर। तो अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड समझते हैं क्या होता है? हाँ सर समझते हैं, कि पांच टॉफी 25 रुपए की, 5 टॉफीज 25 रुपीज की, तो एक टॉफी कितने की 25 बाय 5 5 रुपीज की, तो 3 टॉफीज कितने की 5 into 3 15 की, वो यूनिटरी मेथड होता है ना। तो अब हमने बोला कि भाई पी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए गुरु जी, पी पॉइंट पे हमें लगाना है, क्या लगाना है एक मिनट भाई, ए चला जा, एम्पियर सर्किटल लूप लगाना है, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। तो क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। यस सर, बिल्कुल सर। अब यहां पे आई इनक्लोज मैं निकालूंगा यूनिटरी मेथड से, कैसे देखो इधर, मान लो आप ऊपर से देख रहे हो इसको, किसको, इस वायर को ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू, तो आपको करंट कुछ ऐसा आता हुआ दिखेगा, अरे ऊपर अपनी तरफ करंट आता हुआ दिखाई देगा गुरु जी, डॉट 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 क्या बना रहे, अरे मेरे को एक बात बताइए, करंट तेरे को अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा क्या ऊपर से, जब तू देखेगा यहां से देखेगा तो करंट तेरे को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा? हाँ सर। कितना करंट दिखाई देगा, आई करंट, कितना करंट दिखाई देगा, आई करंट दिखाई देगा। और रेडियस कितनी है इस वायर की गुरुजी, इस वायर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, लेकिन तुझे कैपिटल आर से मतलब है स्मॉल आर से गुरुजी, मेरे को तो स्मॉल आर से मतलब है, मुझे एक बात बता ये कितना एरिया है, ये कितना एरिया है गुरुजी, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में से कितना करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है, तो पर यूनिट एरिया में से कितना करंट आएगा, ये पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दे, आई बाय पाई आर स्क्वायर, ऐसा करते ना यूनिटरी मेथड। अरे यूनिटरी मेथड तो हम बायो में भी लगा सकते हैं, केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में तो लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर से आई करंट आ रहा है, तो पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट आ रहा होगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर। अब आपको किससे मतलब है गुरुजी, हमें मतलब है स्मॉल आर से, किससे मतलब है स्मॉल आर, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी हो बेटा गुरुजी, जिसकी रेडियस हो स्मॉल आर, कितनी रेडियस हो स्मॉल आर, मुझे तो इतने एरिया से मतलब है नहीं है। हाँ सर, इसको मैं ग्रीन शेड कर देता हूं, क्योंकि मेरा एम्पियर लूप तो कितना बड़ा है, जिसका रेडियस कितना है बेटा स्मॉल आर है, कितना है स्मॉल आर, तो क्या मुझे इस पूरे एरिया से मतलब है या फिर इस शेडेड एरिया से मतलब है गुरुजी, शेडेड एरिया से मतलब है, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि जो शेडेड एरिया है ये कितना है गुरुजी, शेडेड एरिया है पाई आर स्क्वायर, यस, तो मुझे पाई कैपिटल आर स्क्वायर से मतलब नहीं, मुझे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मतलब है। हाँ सर, बात तो सही है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये पाई, और यहां पे पॉइंट लिख दिया ना आपने, कौन सा पॉइंट लिख दिया, पी पॉइंट लिख दिया, ये दिख रहा है आपको, अच्छा सर अब हम समझे, हम ये साइड व्यू है यहां से देख रहे हैं, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। जी गुरु जी बिल्कुल। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर से कितना करंट जा रहा है, आई, तो पर यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, यस सर, वन है ना, ये वन हो गया ना, तो पाई स्क्वायर नीचे चला गया। अब मुझे कितने एरिया से लेना देना है बेटा गुरुजी, हमको पाई स्मॉल आर स्क्वायर से लेना देना है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना हो जाएगा गुरुजी, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो भाई, मैं अपना समय और एनर्जी दोनों बचा सकता था आपको डायरेक्ट ही की पॉइंट बता के, लेकिन बोर्ड में पूछ सकता है, और इस अपना कंसेप्ट भी तो स्ट्रांग हो रहा है, तो 5 मिनट देके इसमें कोई परेशानी थोड़ी है, यस सर, तो पाई से पाई शहीद हो गया। तो अब बेटा हमको समझ में आ गया कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है, I into small r square divided by capital r square. Once more, कैसे? जैसे मैं लिख दूं, 5 toffee, क्या बेटा? 5 toffee कितने रुपीस की? 25 रुपीस की. तो 1 toffee कितने की बेटा? देख लो, 1 toffee होगी गुरुजी 25 by 5. बोले तो 5 रुपीस की. Yes sir, सही है? हाँ sir. अरे 5 रुपए की होगी? 3 toffee में बोलूं कितने की होगी? तो गुरुजी 1 toffee है 5 रुपए की. उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से. 15 रुपए. ये होता है यूनिटरी मेथड. ये क्या होता है? यूनिटरी मेथड, है ना? 5 toffee 25 रुपीज की है, तो 1 toffee कितने की? 25 by 5, 5 रुपीज. 3 toffee कितने की होगी? 5 into 3. वैसे पाई कैपिटल आर स्क्वायर से कितना करंट जा रहा है? आई. पर यूनिट एरिया से कितना जा रहा है? आई बाई पाई स्क्वायर. तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना जा रहा है? आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर. डन. यस सर, बिल्कुल डन हो गया. तो भैया करंट आ गया मुझे इसके अंदर, कितना करंट मिल गया गुरु जी? मुझे इसके अंदर करंट मिल गया I into पाई से पाई शहीद हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर. ये I इनक्लोज्ड है. कौन है बेटा ये? नीट के लिए. तो बेटा नीट में ये सब करोगे क्या? अगर ये सब करोगे तो 45 में से सिर्फ एक क्वेश्चन हो पाएगा, है ना, फिजिक्स में, और बाकी केमिस्ट्री और बायो भी नहीं कर पाओगे. समझ में आ गई क्या बात? यस सर. तो भाई नीट में सब डेरिवेशन की जरूरत नहीं, यहां पे मैंने I इनक्लोज लिख दिया. अब मुझे बताओ ये पॉइंट है इधर 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 इधर, सब पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी इधर. यस सर. तो मैंने बी को बाहर निकाल लिया और क्लोज इंटीग्रल डीएल है ना बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज कितना हो गया आई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, ये कल भी बताया था मैंने आपको इंटीग्रल डीएल मतलब ये छोटे 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 टुकड़े जुड़ के पूरी एम्पीयरन लेंथ बन जाएंगे, एम्पीयरन लेंथ. तो इस एम्पीयरन लूप की लंबाई कितनी होगी सरकमफेरेंस के बराबर? 2 पाई स्मॉल आर.
टू पाई स्मॉल आर, यस सर, तो हो गया टू पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा सर जगह तो दिल में होती है, हाँ मुझे भी पता है जगह दिल में होती है। देखो ज्यादा डायलॉग मत मारो, इधर देखो, अरे बराबर है क्या? यस सर, यहां तक तो आ गया। अब बाकी अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, वैसे हो जाएगा कैसे, आर से एक आर उड़ गया, यस सर, और ये जो टू पाई नीचे चला गया तो कितना हो गया बेटा, बी कितना आ गया गुरु जी, म्यू नॉट आई, अरे यार बेटा ये आर स्क्वायर से एक आर उड़ गया, हो गया म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ऐसे टू पाई नीचे चला गया, यस सर, तो हो गया टू पाई आर स्क्वायर। आया नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल आ गया, और इसको हमने क्या कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया और यहां पे सितारे बना दिए। बोलो, यस सर, कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर बाय टू पाई आर स्क्वायर। अभी इसका पूरा हम एनालिसिस करेंगे, पूरा इसके धागे खोलेंगे, पहले बताओ समझ में आया नहीं है, क्या ये पिछले केस वाला ही है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा? नहीं सर, क्या पिछले केस वाला इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा? हाँ सर, ठीक है। अब यहां पे आपने इनसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या किया, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए एम्पियर एंड सर्किटल लूप लगा दिया कि नहीं लगा दिया? हाँ सर लगा दिया, और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। म्यू नॉट क्या है यहां पे? पता ही, बच्चा बच्चा जानता है म्यू नॉट क्या। आई क्या है? करंट जो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है, यस सर। टू पता है, पाई पता है, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, इस सिलेंड्रिकल वायर की, सॉलिड वायर की रेडियस कैपिटल आर, यस सर। स्मॉल आर क्या है, ये जो इनसाइड पॉइंट पी है इसकी सेंटर से डिस्टेंस। अब अपन थोड़ा सा इसको अच्छे से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देख लो पहले इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, देखो इधर बी इनसाइड मैंने लिखा म्यू नॉट आई, यहां पे आया म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय टू पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय टू पाई आर स्क्वायर। बोलो, यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यार मेरे को एक बात बताओ, आई बाय पाई आर स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट बाय टू इंटू आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। हाँ सर ऐसे भी लिख सकते हो। क्या तुम्हें याद है इसका चेहरा कहीं देखेला लगता है, इसकी आवाज कहीं सुनेली लगती है, यस और नो? हाँ सर, ये आपने हमको पढ़ाया था कहां पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट डेंसिटी जे, यस सर बिल्कुल सिखाया था। यहां पे मैं लिख सकता हूं करंट डेंसिटी जे बराबर करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, अरे पूरे वायर का क्रॉस, इस पूरे वायर से कितना करंट जा रहा है आई, इस पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ सर, तो आई भी कांस्टेंट है, जो करंट जा रहा हो भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर रेडियस भी कांस्टेंट है, तो जे भी कांस्टेंट हो गया। हाँ सर, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू हो गया जे इंटू हो गया आर डिवाइडेड बाय टू। हाँ सर ये भी ठीक है, सही है। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने बेटा, ये भी फॉर्मूला याद रखना और ये भी याद रखना, पता होना चाहिए, है ना, म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर या म्यू नॉट जे आर बाय टू वेयर जे इज द करंट डेंसिटी, वेयर जे इज क्या हो गया बेटा, अरे जे का है करंट डेंसिटी है, जी हां गुरुजी। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है, एक मिनट गुरुजी, स्मॉल आर क्या है, म्यू नॉट कॉन्सेंट टू कॉन्सेंट जे कॉन्सेंट, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर उस पॉइंट पी का डिस्टेंस है जिस पी पॉइंट पे आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, उसका डिस्टेंस है सेंटर से या एक्सिस से। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, क्या गुरुजी, म्यू नॉट कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो जो बी इनसाइड हो गया है ना, तो जो बी इनसाइड है वो किसके डायरेक्टली, म्यू नॉट कांस्टेंट, जे कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। तो बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ सर ये भी ठीक है, सही है। आर को जीरो रख दो गुरुजी, आर को जीरो रखने का मतलब हुआ कि जो पॉइंट पी है ना, ये आप पास लाते जा रहे हो, पास लाते जा रहे हो, एक्सिस पास लाते जा रहे हो और एक्सिस पर ही ले, स्मॉल आर क्या है, पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्सिस से, जीरो हो गया मतलब आप पॉइंट पी को कहां ले आए, एक्सिस पे ले आए। इसका मतलब एक्सिस पर है ना, इफ इन इफ आर इज इक्वल टू जीरो, आर अगर जीरो हो गया तो बी इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया प्यारे बच्चों, हमको तो वैसे भी कितना हो गया प्यारे बच्चों, जीरो। हमको तो वैसे भी सारे की पॉइंट ही याद रखने हैं, पर तुम्हारे भाई ने तुमको सब कुछ डिराइव करवा दिया, किसके लिए, बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक है। यस सर, हो गया कि नहीं हो गया, डी इनसाइड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। और मैंने आपको बताया था जब एक चीज दूसरी चीज की, जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन।
पासिंग थ्रू रीजन, अभी दो एक लेक्चर पहले ही बताए थे। यस और नो? यस सर। ये देख लो, ये देख लो, बिल्कुल सर, आया समझ में? हाँ सर, ये फॉर्मुला तो आपने ड्राइव करवा दिया। आई बाई पायर स्क्वायर हो गया करंट डेंसिटी, लिखा हुआ है जे हो गया करंट डेंसिटी, आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, बी इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल आर के। तो ग्राफ कैसा बनेगा? बी और आर में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कारनामा किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ कारनामा किसके लिए? इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए और सरफेस के लिए वही चीज है पुरानी, किसी पीटी पिछले केस में पड़ी थी। आ जाओ ग्राफ पे, आ जाओ बेटा ग्राफ पे। तो आई इनक्लोज्ड हो गया है ना, अब आ जाओ ग्राफ पे। अब देखो ये जो है इलाका, गुरुजी हां मुझे पता है आप क्या बोलोगे, इलाका तो कुत्तों का होता है, शेरों का तो जिगरा होता है, बात तो सही है। ये देखो आर बराबर जीरो से आर बराबर कैपिटल आर मतलब इनसाइड, स्मॉल आर बराबर जीरो मतलब एक्सिस, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर मतलब सरफेस। ये कौन सा हिस्सा हो गया? इनसाइड। और स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के बाहर का, ये कौन सा हिस्सा हो गया? आउटसाइड। आउटसाइड वाला तो रिजल्ट अपन ने एनालाइज कर ही लिया। इनसाइड में क्या होगा? बी और आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड के लिए। यस सर, इसका मतलब ग्राफ बी और आर में कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, इनसाइड में बी बढ़ता जाएगा, सरफेस आ गया, सरफेस पर कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय टू पायर। अब जैसे आप सरफेस से बाहर आ गए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सिस से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। देख लो, डन हो गया। ये सर ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी अहमियत आपको बस अभी अगले स्लाइड में समझ में आने वाली है, ठीक है? तो एक बार देख लेते अभी तक क्या पढ़ा। क्या डेरिवेशन देखना है पेपर में? बिल्कुल नहीं देखना। इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जबान पे होनी चाहिए, क्योंकि बोलो जुबा केसरी जबान पे होनी चाहिए। इनसाइड के लिए छुपा दो सब इसको, छुपा दो म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। डन हो गया। यस सर, सरफेस पर म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई कैपिटल आर, आउटसाइड म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई स्मॉल आर। ग्राफ कैसा? जीरो से जीरो पे जीरो, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डन बेटा, ये सब आपके दिमाग में क्या हो जाना चाहिए? स्कैन हो जाना चाहिए। कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड। अब बताओ यूनिटरी मेथड क्या होता है? अरे वही, इतने में इतना तो उतने में कितना। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है सर। यूनिटरी मेथड पढ़ा दिया, ये हो गया, ठीक है, ये ग्राफ बनवा दिया। अब अगली स्लाइड की इंपॉर्टेंट है। पहले इस सवाल पे नजर डालने से पहले ये देख ले कि पीवाई क्यू है और ये कब कब पूछा गया। 2019 सेम टू सेम सवाल पूछा गया 2021, तो आप देख लो 2019 में भी सेम सवाल पूछा, 21 में भी पूछा है ना, 23 में नहीं पूछा, हो सकता है 24 में पूछा। सही है। क्या कह रहा है? बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल, सुन लो, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, ठीक है। द प्लॉट ऑफ, प्लॉट मतलब ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस डी, वैसे हम आर लेते हैं, यहां पे इसने डिस्टेंस कितनी लिए? डी लिए। फ्रॉम द डिस्टेंस डी ऑफ सेंटर ऑफ कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। अब गुरुजी यहां पे ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा कंडक्टर लेना है हमको, मतलब कौन सा सिलेंडर लेना है, हॉलो या सॉलिड। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखो ये ग्राफ तो हमने कभी देखा ही नहीं तो गलत हो गया है ना, ये ग्राफ कभी देखा ही नहीं है तो गलत हो गया। सही है। तो या तो ये वाला ग्राफ होगा, ये किसके लिए बेटा? ये सॉलिड के लिए। यस सर। और ये किसके लिए? ये कल ही देखा था, ये हॉलो के लिए। यस सर, ठीक है सर। जब भी आपको पेपर में मेंशन नहीं करेगा तो आपको सॉलिड कंडक्टर मानना है। जी हाँ, अब ये बात पता नहीं है तो आप इसमें गड़बड़ करके आओगे। आपको ये ही नहीं पता कि साला पूछा किसके लिए, हॉलो या सॉलिड, और उसने साले नीट के सन की बुड्ढे ने मेंशन भी नहीं किया। कितना चंट बुड्ढा है, कितना चालू है, कितना क्लेवर है, कितना कनिंग है। यस बिल्कुल है, चंट चालू कनिंग क्लेवर, बाकी छोड़ो जाने दो, ठीक है। हाँ भाई, है ना। और तो अब सर हम क्या करें, अगर पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं किया है सॉलिड या हॉलो लेना है तो आपको सॉलिड मानना है। जी हाँ, जब भी आपको कोई भी कंडक्टर, या जैसे पहले स्फीयर्स पढ़ते थे, किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर्स पढ़ते थे, ये सर वहां पे कुछ नहीं मेंशन करता तो हम सॉलिड लेते थे, जब तक खुद से हॉलो या शेल ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता था तो हम वहां पे सॉलिड लेते। जी हाँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना पड़ेगा जब कुछ मेंशन नहीं है? तो जी हाँ, सॉलिड लेना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब पेपर में कुछ भी ना कहे, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, जी हाँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? सॉलिड सिलेंडर लेंगे जब कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, जब तक खुद से चिल्ला चिल्ला की स्कीम ना बता दे आपको कि भैया हॉलो लेना है, ठीक है। तो सॉलिड लेना है तो क्या आएगा आंसर बताओ? अब उसने बोला ना सिलेंड्रिकल कंडक्टर, कुछ भी नहीं बोला, तो आपने सॉलिड मानना है, हॉलो नहीं मानना है। तो क्या हो जाएगा भाई? आंसर डी आ जाएगा, जो अभी ग्राफ पढ़ा, ठीक है। तो सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी, तो प्लीज सब्जी पूरी मत बटने देना, यानी कि मार्क्स कटने मत देना। ओके गुरुजी, डन हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया, वाह वाह, चलो आगे फिर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेते हैं। अब यार अगला सवाल, अभी आपको
और सवाल में पीवाईक्यू जिसमें करवाने वाला हूं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, देखे। हाँ सर, एक मिनट एक मिनट। ओ भाई साहब ये क्या है गुरुजी? अरे मोरी मैया जी का देख लियो, एक दो तीन चार पांच छह सौ। गुरुजी आपको हमारी शक्ल देख के लगता है कि हम इतना बड़ा सवाल पेपर में पढ़ेंगे भी? लगता है तभी करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपने नजरअंदाज कर दी ये बात, तो बेटा आप जस्ट एक बार ईयर पे नजर डाल लो तो आपको खुद ये सवाल करने का मन करेगा। जी हाँ, 2022 में पूछा गया था ये सवाल, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ताजा ताजा ये 2023 से पीछे जो पेपर हुआ था 2022 उसमें पूछा गया था। आप एक बार, टफ नहीं है, यो पटाखा है जो बहुत बड़ा बहुत भीषण सा दिखता है लेकिन जलेगा तो, समझ में आ गई बात? फुस पटाखा, एकदम एकदम फर्जी है, फर्जी सवाल है, बोगस सवाल है। आप, मेरी गारंटी आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलो स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जल्दी इसको, मैं साइड हट के आऊं, है ना, आ जाओ मैं। हाँ गुरुजी आ जाओ। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, सुनो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है गुरुजी, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग यानी इनफिनिट स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेट वायर, अब सर तार लेना है कि सिलेंडर लेना है? खुद ही बोल रहा है स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात आ गई, मतलब सिलेंडर हो गया, खाली वायर होता तो वायर बोल देता, लेकिन ये वायर, वायर तो इसी तार लेके जा रहा है लेकिन इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब कैसा है, सिलेंडर है। अब कुछ भी मेंशन नहीं किया होलो सॉलिड, तो हम क्या लेंगे गुरु जी, अभी देख लेते हैं। वैसे तो सॉलिड लेंगे। बोल रहा है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा कैसा होगा वायर के अंदर और बाहर, ठीक है देख लेते हैं। तो बोल रहा है यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द रीजन्स, फॉर बोथ द रीजन्स अंदर और बाहर के लिए। अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग फॉर आउटसाइड रीजन। बोलो हाँ है ना, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो सबसे पहले हम बाय डिफॉल्ट कैसा वायर मानते हैं गुरुजी, सॉलिड। तो यहाँ पे लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे हॉलो नहीं बोला है, तो आप बाय डिफॉल्ट कैसा वायर मानोगे, सॉलिड वायर, ठीक है। अब इनसाइड और आउटसाइड के लिए आपको दिमाग में ग्राफ होना चाहिए। यस सर, कैसा होता है, अभी पढ़ा? अरे पांच मिनट भी तो नहीं हुए भाई ये ग्राफ पढ़े हमको, भूला। क्या होता है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर ऐसा। अरे बोलो, हाँ सर बिल्कुल होता है। तो बताओ क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ भाई बताओ फिर क्या आएगा। देखो ध्यान से सुनो, पहले इनसाइड वाले पॉइंट के लिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली का मतलब समझो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। लेकिन आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है लीनियरली लेकिन डिक्रीज लीनियरली नहीं हो रहा, क्योंकि डिक्रीमेंट में इसका स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर बोथ रीजन। कहां से कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब बोल रहा है बदलता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, बदलता है भाई। कह रहा है लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सरफेस, लीनियरली इंक्लिन सही है, ऑल द वायर एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग। भाई पहला स्टेटमेंट, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरे स्टेटमेंट में आधा तक तो सब सही चल रहा था। लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर सही है ना। उसके बाद बोल रहा है एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग फॉर द आउटसाइड रीजन, लेकिन सेकंड हाफ में इसने अपनी औकात दिखा दी। कैसे गलत हो के इसने अपनी औकात दिखा दी, गलत है। बोल रहा है कि आउटसाइड में बाउंड्री के बाहर भी लीनियरली डिक्रीज होगा। बेटा लीनियर डिक्रीमेंट नहीं है, ओ बेटा, ए बेटा, ओ भैया, ये लीनियरली डिक्रीजिंग नहीं है, लीनियरली इंक्रीजिंग है लेकिन ये नॉन लीनियर डिक्रीमेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ठीक है। तो सेकंड भी गलत हो गया। कह रहा है अ लीनियर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विद वन बाय आर डिपेंडेंस। सही बात है, वन बाय आर डिपेंडेंस है कि नहीं है? है सर, डिक्रीमेंट कैसा हो रहा है, वन बाय आर डिपेंडेंस है ना। हाँ सर, तो ये मुझे सी ऑप्शन ठीक लग रहा है, पढ़ के देखते पूरा। अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विद वन बाय आर डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन, ये मुझे एकदम सही लग रहा है। तसल्ली के लिए डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री, कहां बाउंड्री, अरे एक्सिस से बाउंड्री पे जाते हैं तो डिक्रीज थोड़ी होता है, तो कह रहा है कि भाई बाउंड्री तक जाते तो डिक्रीज हो रहा है, गलत, बाउंड्री के बाहर डिक्रीज। सी ऑप्शन सही हो गया। अब आप देखो ये सवाल कितने ही सारे बच्चों ने गलत कर दिया होगा, या ये सवाल कितने ही सारे बच्चों ने इसकी भीषणता को देखते हुए अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा कि भाई हमारे बस का थोड़ी इतना बड़ा सवाल, लेकिन देख ले इजी सवाल है, सही है। मतलब तेरे को कलम थोड़ी चलानी है, तेरे को मतलब स्टेटमेंट पढ़ना है, देख ले भाई इजी है ना। यस सर, तो इसको अपन इजी की श्रेणी में रखेंगे और ये 2022 का सवाल है, 2022 का पीवाईक्यू। यस सर, चलो फिर आगे चलो, आ जाओ फटाफट से अगला सवाल। देखो ये सवाल भी
रिपीट हुआ है पहले 97 में फिर 99 में। एक बार मैं साइड में हट रहा हूं, आप इस सवाल को रीड आउट करके देखो, पढ़ के देखो, है ना, और कर लोगे वैसे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई पढ़ लो, स्क्रीन पॉज कर लो। चलो कह रहा है अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर, एक स्ट्रेट वायर है डायमीटर 0.5 का, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड। अच्छा जब भी कुछ नहीं बोलेगा तो हम कैसा वायर मानेंगे, सॉलिड, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ 1 mm डायमीटर। पिछला वायर 0.5 mm डायमीटर का था और अब जो वायर है वो 1 mm डायमीटर का, कैरिंग द सेम करंट, करंट में कोई डिफरेंस नहीं है, करंट उतना ही है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फार अवे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फार अवे, फार अवे मतलब बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब तो वायर से बाहर ही हुआ। सबसे पहले तो कैसा वायर मैं कंसिडर करूंगा, सॉलिड, ठीक है सर। बस क्या फर्क है पहले वाले वायर और दूसरे वाले वायर में, करंट का अमाउंट सेम है, देख लो कह रहा है कैरिंग द सेम करंट। पिछले वाले का जो डायमीटर है, चौड़ाई है, वो 0.5 mm था और दूसरे वाले का जो चौड़ाई है वो 1 mm है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट फार अवे मतलब बहुत दूर, अब बहुत दूर का मतलब वायर के अंदर या वायर के सरफेस पे, वायर से दूर, वायर से बाहर, सर वायर से बाहर बहुत दूर बोल रहा, तो मतलब ना सरफेस पर ना इनसाइड, आउटसाइड की बात कर रहा। तो मुझे पता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होता है वो क्या होता है गुरुजी, होता है म्यू नॉट आई बाय 2πr, स्मॉल आर, यस सर। वेयर इज स्मॉल आर इज व्हाट, वेयर इज स्मॉल आर इज व्हाट गुरुजी, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट आउटसाइड पॉइंट, फार अवे पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। अब यहां पे म्यू नॉट दोनों के लिए कैसा है, कॉन्स्टेंट है, आई कैसा है दोनों के लिए, सेम है, आई सेम है, टू सेम है, पाई सेम है, और बेटा स्मॉल आर है, दोनों वायर्स की एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं डायमीटर का रोल है, रेडियस का रोल है, नहीं, ये स्मॉल आर रेडियस नहीं है। प्लीज कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई डायमीटर डबल हो गया मतलब रेडियस डबल हो गया तो बी हाफ हो गया, नहीं भाई, है ना, तो क्योंकि इसमें ऑप्शन भी एक 1/2। बेटा स्मॉल आर क्या है, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, ये स्मॉल आर रेडियस नहीं, ये स्मॉल आर है आउटसाइड वाले पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, यहां पे कहीं भी डायमीटर या रेडियस का कोई रोल नहीं है। तो ये तो इंडिपेंडेंट है किसके, रेडियस के या डायमीटर के। तो ये फॉर्मूला किसके इंडिपेंडेंट है बेटा गुरुजी, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ वायर, है ना, रेडियस ऑफ वायर। रेडियस पे कब निर्भर करता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर देख रहे हो सॉलिड वायर के, है ना, सही बात है, या यू कह लो कि सरफेस पर देख रहे हो, म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल आर, बाहर जाती तो स्मॉल आर हो जाता है, और स्मॉल आर क्या होता है, एक्सिस से डिस्टेंस। तो दोनों ही वायर्स में सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, डायमीटर या रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आंसर क्या आएगा, सेम एज द अर्लियर वैल्यू, सेम एज द अर्लियर वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज सेम एज द अर्लियर वैल्यू, मतलब जो पिछले वायर में था वही नए वायर में होगा, देख लो इसको। यस सर, बिल्कुल सर, इजी है, ये भी इजी है, हो गया, हाँ सर ये हो गया। अगला सवाल और आखिरी सवाल देखो भाई, ये सवाल टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और बच्चा हड़बड़ा गड़बड़ा जाता है ऐसी कैलकुलेशन में। तो इसमें पहले ही हमने स्टार मार्क कर दिया, क्योंकि जब सवाल ऐसा हो तो स्टार मार्क करने में कैसी शर्म। देखें ध्यान से, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं हो रहा हूं साइड, आप जितनी आप अपनी बुद्धि चला सको चलाओ और इस सवाल को हल कर लो, ठीक है सर, ओके चलो आगे, चलो फिर देख लेते हैं, करते सॉल्व। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, क्या बोल रहा है बेटा, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, स्ट्रेट वायर कुछ भी नहीं बोला, जब भी कुछ भी नहीं बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, सॉलिड मानेंगे। वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, खुद ही बोल दिया उसने, अब तो क्लियर कट बोल दिया कि भाई ये कैसा है, सॉलिड है। कैसे, उसने बोला है कि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन में, और ये हॉलो में तो होता नहीं, क्योंकि हॉलो में तो सरफेस से जाता है ना, तो सॉलिड है, ये इसने क्लियरली मेंशन कर दिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंसेस, रेडियल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, है ना, एट इसकी रेडियस दे रखी है ए, बोल रहा है एट डिस्टेंसेस ए बाय 2 एंड 2a रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, चलो ठीक है भाई। तो ए बाय 2 तो क्या हो गया, अरे अगर उसकी रेडियस ए है, ए बाय 2 तो ऐसे छोटा हो गया, मतलब ए बाय 2 कॉमन सेंस कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, यस सर ठीक है। और 2a, ए उसका रेडियस है, 2a मतलब क्या हो गया, ए से ज्यादा मतलब तो बाहर निकल गया, आउटसाइड, यस सर ठीक है। तो इनसाइड वाले पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बी, और आउट पहले वाले पे ए बाय 2 पे बोल रहा है बी, और 2a पर बोल रहा है बी डैश, यस सर ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, आउटसाइड के लिए क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कितनी है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, 2a, यस सर बिल्कुल सर। अरे ये तो होता है बाहर वाले के लिए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर,
और डिस्टेंस कितनी एक्सिस से 2a. इनसाइड वाले के लिए देख लेते कितना होता है, म्यू नॉट आई स्मॉल r बाय 2 पाई r स्क्वायर. ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला. यस सर. तो यहां पे हमने लिख दिया म्यू नॉट आई स्मॉल r. क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कितना दे रखा है a बाय 2. तो आपने लिख लिया यहां पे a बाय 2. ठीक है, ये क्या लिखा है सर 2 पाई रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितनी है इसकी, कहां लिखा हुआ है, कैरीज अ स्टेडी करंट. अरे भैया कहां लिखा है, ये लिखा, ये रेडियस कितना है a है ना. तो कैपिटल r क्या हो गया बेटा रेडियस, जो कि हो गया 2 पाई a स्क्वायर म्यू नॉट आई. स्मॉल r क्या है डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, यानी यूं कह लो कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, कितना हो गया वो a बाय 2. सारी वैल्यूज पुट कर दी, कितना है ये, कितना है आया गुरुजी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए. कैसे 2 जा 4 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई. ये कितना है गुरुजी, ए से एक ए निपट गया, ये आया म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई एक ए निपट गया. कितना है 2 जा 4, 2 जा 4 4 पाई ए. वाह बहुत बढ़िया, दोनों सेम है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और म्यू नॉट आई बाई 4 पाई सेम टू सेम है. मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लगाए. म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए और बी डैश भी कितना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, दोनों सेम है, दोनों सेम है, सेम टू सेम है. तो बी बाय बी डैश कितना हो गया बेटा 1:1 हो गया. यस सर. कितना रेशियो आ गया बेटा 1:1. तो आंसर कितना है, वही बोल रहा ना द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश. तो जब दोनों सेम है, कोई भी चीज सेम है, तो उनका रेशियो कितना हो गया 1 हो गया. यस सर, ये आ गया आंसर. बहुत बढ़िया, शाबाश, देख लो सॉल्यूशन इसका. आई होप आपने भी इसको क्रैक कर लिया हो, है ना. तो टफ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस. चले भाई आगे. हाँ सर आगे चलते हैं. अब देखो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट क्या सर इस चैप्टर का कुछ हिस्सा है क्या, ना. क्रॉस प्रोडक्ट अब आगे की चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है. अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता होगा तो आप आगे वाली चीजें नहीं समझ पाओगे. तो अब मेरा काम खाली घास काटने का नहीं कि आया फटाफट फॉर्मूला लिखा ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया चलो ठीक है चैप्टर खत्म. चलो भाई आगे, बहुत बढ़िया, दो शायरी गा दी, चार गाने गा दिए, हा हा ही हो गया. ठीक है बेटा, जब तेरे को क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं आएगा तो तू कद्दू आगे की चीज सॉल्व करेगा. ठीक है, तो तेरे साथ ना इंसाफी हो जाएगी. तो क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं. क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखा हो देखो, 11th रिवीजन. जी हाँ, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट 11th के वेक्टर्स पढ़ाते हैं. मैं आपको अभी रिवाइज करा देता हूँ खटाखट, क्योंकि फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद ही हम आगे की चीजें पढ़ पाएंगे. यानी कि अभी तो हमने ढंग से फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा ही नहीं, शुरू ही नहीं किया अभी. तो वो कब कर पाएंगे, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे. तो आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाता हूं, इजी है, कुछ खास नहीं है ना. हाँ, डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, पर कोई दिक्कत नहीं. क्या आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता था? हाँ सर, आपने सिखाया था आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट. क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या डॉट प्रोडक्ट जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये होता किस किस का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन. ये होता मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. ये किसके अंडर आता है, ये आता है किसके अंडर बोलो, ये आता है मल्टीप्लिकेशन. किसके अंडर आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. बोलो लाला. यस सर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. अब आपको यहां पे वेक्टर्स पता है सबको? हाँ सर पता है. बेस्ट वेक्टर जो कि आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, वो है फोर्स. वो है फोर्स, क्योंकि फोर्स आप पे लग भी सकता है, फोर्स आप लगा सकते हो. तो बेस्ट वेक्टर टू विजुलाइज इज फोर्स वेक्टर. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस डॉट प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूं. क्रॉस प्रोडक्ट को प्यार से वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. अब ऑब्वियसली यहां पे हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. कौन सा वाला, क्रॉस वाला. कौन सा वाला, क्रॉस वाला. ये आपको एक प्लेन दिख रहा है, कितना खूबसूरत सा प्लेन है. यस सर, ये ग्रे कलर का प्लेन दिख रहा है. क्या आपको ये दोनों वेक्टर्स विजिबल है? यस सर, ये दोनों वेक्टर्स विजिबल है, बिल्कुल सर. एक हो गया ए वेक्टर और एक हो गया बी वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा. और तुम्हारा भाई तुम्हें पहले ही याद करा चुका है, बता चुका है, जब मैं आपको वेक्टर्स की और बारीकियां पहले रिवाइज करवाया था, तब मैंने आपको बताया था, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है तो दे मस्ट बी अलाइंड टेल टू टेल या हेड से हेड. या तो उनका टेल से टेल जुड़ा हुआ, अरे ताल से ताल मिला वैसे ही टेल से टेल मिला, या हेड से हेड मिला. तो फिलहाल इनका क्या मिला हुआ है, दोनों का टेल से टेल मिला हुआ. तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा. अच्छा, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, है ना, ये एक मिनट भाई, एक मिनट, ये ऐसा एक प्लेन है. यस सर, और इस प्लेन में देखो, यहां पे दो पेंसिल्स भी रखी हुई, और इस प्लेन में समझना, ये प्लेन है, जैसे ग्रे कलर का प्लेन है वैसे आईपैड हो गया, ये प्लेन मान लो. जैसे इस प्लेन में दो वेक्टर्स रखे हुए ए और बी, वैसे आप मान लो ये आईपैड के प्लेन में, एक मिनट, ये आईपैड के प्लेन में दो वेक्टर्स रखे हुए हैं. अभी फील आई कि नहीं आई,
ऐसे, समझ गए कैसे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए सर। सर मैं ना स को स बोलता हूँ, तो बेटा स को स नहीं तो क्या स बोलेगा? सही बात है, यस सर। तो देख लो इधर, अरे फील आ रही है नहीं आ रही है? हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, ठीक है। ए थोड़ा सा ऐसे, ए ऐसे फील आ गई। हाँ सर, इस तरीके से प्लेन में दो वेक्टर्स रखे हुए हैं। ओके सर, अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक नया वेक्टर हासिल होता है, तो आपको याद रखना है कि भाई जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा? उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। पहले जो पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वहां पे जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, इसका तो नाम ही वेक्टर प्रोडक्ट है, जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी वेक्टर होता है। ठीक है सर, तो मान लेते कि इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसको लिखते कैसे? मान लो ए और बी दो वेक्टर्स हैं, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ए क्रॉस बी है ना, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक नया वेक्टर है, सी वेक्टर। अभी समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई बात। तो ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है ये एक वेक्टर है। तो यहां पे मैंने लिख दिया रिजल्टेंट इज अ वेक्टर, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। अब वेक्टर है इसका मतलब दो चीजें होंगी, दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक तीसरा वेक्टर आ गया सी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है। अब वेक्टर के पास कितनी चीजें होती है गुरुजी? दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो गुरुजी क्या आप हमको दोनों निकालना सिखाओगे? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में आपको निकालना सिखा दूंगा अभी। मतलब मान के चलो अगले आने वाले 20-21 मिनट के अंदर आप वेक्टर प्रोडक्ट में एकदम क्या हो जाओगे? तैनात हो जाओगे, चकपक हो जाओगे, एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाओगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो गुरुजी मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो गया? देखो सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी। तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाऊंगा और डायरेक्शन भी। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अपन इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। कैसे डब्बे में बंद कर देते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसका क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? गुरुजी कॉमन सेंस यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यस है ना। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, है ना। या अब सी वेक्टर क्या है इन दोनों का? क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, तो क्या मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? हाँ सर बोल दू, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आराम से, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी कर दूंगा तो भाई चीजें अगर ऊपर से चली जाएंगी या समझ में ही नहीं आएंगी तो फिर क्या फायदा है पढ़ाने का? कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है, एकदम यूजलेस है। मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मैं लिखूं ए डॉट बी, वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए और बी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके नया वेक्टर हासिल हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डन, लिख भी देता हूं नहीं तो पेट दुखेगा तुम्हारा। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, बोलो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। तो सर आपने तो हमको जो है ये मैग्नीट्यूड निकालना तो सिखा दिया, पर अब आप हमको जो है डायरेक्शन निकालना भी सिखा दो। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। बिल्कुल सिखा देंगे साहब। पहले बोलो ये डन है क्या? देख लो इसको, इस डायग्राम को अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लो। ठीक है सर, आगे चलो। अब देखो यहां पे मैग्नीट्यूड मैंने निकालना सिखा दिया, डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूं मैं ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी क्या है गुरुजी? ए क्रॉस बी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। एक मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही क्या है? ए क्रॉस बी। बहुत ध्यान से समझना। अब हमें राइट हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर से। हाँ, फिर से राइट हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत आसान है। अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, किसका डायरेक्शन चाहिए? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, तो आप अपनी राइट हैंड को कर्ल, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे ए से बी। समझना, हमारा उद्देश्य है फिलहाल ए क्रॉस बी। तो क्या गुरुजी एक बात बताओ, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से अलग अलग है? हाँ यस, अलग अलग है। अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना, किसका? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना। तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे ए से बी। कैसे? मैं बताता हूं। ए क्रॉस बी मतलब, ए क्रॉस बी मतलब पहले ए बाद में बी। तो आप एक काम करो,
कि बहुत आसान टेक्निक सिखा रहा हूं, इससे कभी गड़बड़ नहीं होगी। आपको एक क्रॉस भी निकालना है तो आप ए से भी एक एरो बना दो। कैसे बना दो एरो? ए से भी। आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो आप ए से भी एरो बना दो। अगर बी क्रॉस से निकालना है तो बी से ए। जैसे मान लो आपसे पूछा होता कि भाई बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, तो आप बी से एरो बना देते। अच्छा, समझ गए। जैसे पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, तो ए से बी, बी क्रॉस ए होगा तो बी से, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी, तो ए से बी एक एरो बना दिया। बना दिया इसी प्लेन में। किस प्लेन में? अरे इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है ना, आईपैड था, पेंसिल थी, उसी प्लेन में एक एरो बना दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस एरो के डायरेक्शन में कर्ल करना है। अपने पाम, पाम समझते हो, हथेली, हथेली को इस प्लेन में रखो, हथेली को इस, ये रहा प्लेन, ये वाला जो प्लेन है ये आईपैड का प्लेन था जिसमें दो वेक्टर्स रखे, जिसमें दो पेंसिल रखी हुई थी, ये सर। तो ये हो गया ये प्लेन, ये प्लेन निकाल लिया, ये आ गया प्लेन, ठीक है। अब अपने राइट हैंड के पाम, पाम यानी हथेली को इस प्लेन में रखो और अपनी फिंगर्स को ए से भी कर्ल करो। कैसे कर्ल करो? ए से भी कर्ल करो। कैसे कर्ल करो? इस अपनी हथेली को इस प्लेन में रख दिया और ए से भी कर्ल किया, तो अंगूठा कहां आया? ऊपर। अंगूठा कहां आया? ऊपर। यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए ना ये पाम यानी हथेली का डायग्राम बना सकूं। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है सर, सही है। तो आप कैसे कर्ल करेंगे? देखो इसको, अरे ठीक है, इतना डायग्राम बहुत है, इतने में इतना ही मिलेगा, ठीक है। ये अंगूठा हो गया, ये चार उंगलियां हो गई, ये नीचे वाली उंगली थोड़ी सी सूज गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ए क्रॉस बी यानी ए से भी अपनी फिंगर्स को क्या करोगे? कर्ल करोगे। तो अंगूठा कहां आएगा प्यारे बच्चों? गुरुजी, अंगूठा आएगा ऊपर, अंगूठा आएगा ऊपर। और जी हाँ, यही किसका डायरेक्शन आ गया? अंगूठा आ गया ऊपर, जी हाँ, यही किसका डायरेक्शन आ गया गुरुजी? ए क्रॉस बी का। अभी मैं आईपैड से भी बता देता हूं, वैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अपने राइट हैंड की हथेली को इस प्लेन में रखा, ए क्रॉस बी मतलब ए से भी एरो बना दिया, अब अपनी फिंगर्स को इसी एरो के डायरेक्शन में कर्ल किया, तो अंगूठा आ गया ऊपर। यस सर, आईपैड से दिखाता हूं, देखो अब भी ठीक करके देता हूं, पूरी फील दिलाऊंगा, देखो पूरा पैसा वसूल, पूरी आपको फील दिलाऊंगा। देखो ये हो गया आईपैड, मान लो दो अपन ने क्या ले लिए, वेक्टर्स ले लिए इस प्रकार से, ठीक है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मान लो ये वाला हो गया ए वेक्टर, ये वाला हो गया ए वेक्टर, और ये वाला हो गया बी वेक्टर। ऑल्दो जो है अलग अलग कलर्स लेने चाहिए, कोई बात नहीं यार, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे रखा हुआ है। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए से बी फिंगर्स कर लोगी। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी कर्ल करना है। कैसे कर्ल करना है? ए से बी, समझ गए सर। तो देखो इधर, ये ए है, ये बी है, तो राइट हैंड का पाम कैसे लेना है? राइट हैंड का पाम मतलब हथेली इस प्लेन पे ऐसे धर देना है। ऐसे धर दें क्या गुरुजी? नहीं, ऐसे कर्ल थोड़ी कर पाओगे, ऐसे धर दो अपने पाम को, राइट हैंड के पाम को धर दो, और ए क्रॉस बी मतलब ए से बी, तो फिंगर्स को कर्ल करो ए से बी, है ना, समझ गए। ये ए से बी जाएगा, फिंगर्स को कर्ल करो ए से बी, यस सर। तो अंगूठा आया ऊपर की तरफ, हाँ सर, तो वैसे है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, राइट हैंड का अंगूठा, राइट हैंड का पाम यानी हथेली धर दो इधर, और ए क्रॉस बी मतलब ए से बी फिंगर्स कर्ल करो, अंगूठा का आया ऊपर है, यस सर। तो आ गया आपके पास ए क्रॉस बी, समझ में आई बात? यस सर, बिल्कुल आ गई, ए क्रॉस बी, है ना, ठीक है। तो जब भी आपको किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे ए क्रॉस बी है, मतलब पहले ए बाद में बी, तो आप अपनी फिंगर्स को कैसे कर्ल करोगे? राइट हैंड की फिंगर्स को कैसे कर्ल करोगे? यहां पे लिख देता हूं बेटा कौन सा हैंड है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन सा हैंड है? एक मिनट यार, इसको इस कलर से लिखते हैं, राइट हैंड है। कौन सा हैंड है बेटा? राइट हैंड, दाहिना हाथ, ठीक है ना, यस सर। तो जैसे आपको दो वेक्टर्स ए और बी, तो ए क्रॉस बी निकालना, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर को ए से बी कर्ल करना, एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, देखो इधर, मजे की बात, तुम्हारा भाई है ना, टेंशन की क्या बात है, व्हाई टू फियर व्हेन सिद्धार्थ सर इज हियर। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे बताओ गुरुजी? आप यहां पे लिख रहे हो कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ। हाँ बेटा, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ट्वेल्थ में इतनी डिटेल में क्रॉस प्रोडक्ट कोई नहीं पढ़ाता। देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, थंब विल गिव यू। अब आप सोचो मैं इसमें इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आगे क्रॉस प्रोडक्ट काम आए। कर्ल योर फिंगर्स ऑफ, आई होप आपको फील आ गया होगा, पूरा डायग्राम वायग्राम सब तो बोल दिया यार, यस सर। ये अंगूठा है, थंब है ना, ये क्या है, थंब है ना ये, यस सर, ये थंब है, ठीक है। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। गुरुजी बस इतना बता दो कि अगर पूरी फील आ गई है, बस इतना और बता दो कि बी क्रॉस ए होगा तो क्या होगा, बता रहा हूं। पहले इसका फील ले लो पूरा,
तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखा दिया और डायरेक्शन भी निकालना सिखा दिया। बोलो यस सर। गुरु जी अब इतना एहसान और कर दो हम पे कि बी क्रॉस ए होगा तो क्या करेंगे। देखो इधर अब ये सबको हटा दे रहा हूं। बी क्रॉस ए होगा तो क्या करना है सुनना एक मिनट। अब बी ठीक करके देता हूं। बी क्रॉस ए होगा तो क्या करना है, तो यहां पे आपने ए क्रॉस बी की जगह क्या ले लिया बेटा बी क्रॉस ए। तो जैसा मैंने बोला था आपको कैसा बोला था गुरुजी, ऐसा बोला था कि राइट हैंड की फिंगर्स को आप कैसे कर्ल करोगे, ए क्रॉस बी होगा तो ए से बी कर्ल करोगे, अगर बी क्रॉस ए होगा तो बी से ही कर्ल करोगे। ए क्रॉस बी था तो आपने एरो कैसे बनाया ए से बी, यस सर। अब बी क्रॉस ए तो आप एरो कैसे बनाओगे बताओ गुरुजी। अब हम एरो बनाएंगे, देखो ना ए क्रॉस बी था तो एरो बनाया था ए से बी, अब बी क्रॉस ए तो एरो बनाएंगे बी से ए, और राइट हैंड के अपने पाम को हथेली को ऐसे धर देंगे इस प्लेन में और कर्ल करेंगे फिंगर्स को बी से। समझ में आ गई बात। अब मैं उल्टा हाथ नहीं बनाऊंगा, प्लीज भावनाओं को समझे उल्टा। अरे यार कोशिश कर सकता हूं तुम्हारे लिए, कोशिश कर सकता हूं पर गंदा बनेगा तो मजाक मत उड़ाना। ए मजाक उड़ाता है, इधर देख। अरे उल्टा हाथ बना दिया मैंने तेरे लिए, यस सर। तो अब फिंगर्स को कैसे कर्ल करेगा, फिंगर्स को कैसे कर्ल करेगा गुरुजी, ऐसे कर्ल करेंगे, ये हाथों की रेखाएं दिखाई देंगी यहाँ पे ऐसे हाथों की रेखा, यस। तो हो गया बी। गुरुजी इतने वाहियात डायग्राम बनाने से अच्छा कि आप डायग्राम ही मत बनाते गुरुजी, प्लीज डोंट डू इट अगेन। बी क्रॉस ए का मतलब हुआ एरो बना दिया बी से ए, और राइट हैंड के पाम को इस प्लेन में धरा और फिंगर्स को कर्ल किया बी से। कैसे कर्ल किया फिंगर्स को, कैसे कर्ल किया फिंगर्स को बी से ए, है ना, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, है ना। बी क्रॉस मतलब बी से कर्ल किया तो अंगूठा आया नीचे, यस सर। तो फिंगर बी से ए कर्ल करी तो अंगूठा आया कौन से डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में। तो किसका डायरेक्शन मिल गया आपको गुरुजी, मिल गया आपको बी क्रॉस ए का। फील आई कि नहीं आई, यस सर। देख लो तो कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम बी टू ए, क्यों, क्योंकि अब की बार क्या है बेटा बी क्रॉस ए, तो बी वेक्टर टू ए वेक्टर, डन हो गया, यस सर। इसका मतलब तो एक चीज हमको समझ में आ गई, ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए, इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल कितना है 180 डिग्री, एक ऊपर एक नीचे 180 डिग्री का एंगल, यस सर। इसको देख लो, अरे डन हो गया, हाँ सर। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, की पॉइंट सुनना, की पॉइंट क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम है, किस किस का, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ई दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो ये लिखना जायज है या ना जायज गुरुजी, ये लिखना बिल्कुल भी जायज नहीं, क्या ये सही है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, नहीं, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी करके एक वेक्टर आ रहा है ऊपर और बी क्रॉस ए करके एक वेक्टर आ रहा है नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। दो वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, लेकिन ये दो वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये पहला की पॉइंट हो गया कि दोनों बराबर नहीं, हाँ ऐसा लिखना सही है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, और कितना हो गया मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, अरे इसका क्या मतलब है गुरुजी, जो डब्बे बंद करती है, इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यस सर। लास्ट की पॉइंट, एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच में, ए क्रॉस बी कहा रहा था ऊपर और बी क्रॉस ए कहा रहा था नीचे, तो गुरुजी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, कभी पेपर में पूछ लिया, ये मैं तुमको 11th रिवाइज करवा रहा हूं, इस 180 डिग्रीज, कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 180 डिग्रीज हो गया, सही है, यस सर, डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया, हाँ सर आ गया, पूरा फील आ गया सर, ए क्रॉस बी निकालना है मतलब एरो बना देंगे ए से बी और अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब जो होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, बी क्रॉस ए मतलब अपने एरो बना लेंगे बी से और राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे बी से, तो अंगूठा विल की विद डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उतना ही फर्क है जितना आलू और भालू में, जितना रात और दिन में, बोलो समझ में आ पा रही क्या, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसे है अपोजिट है, डायरेक्शन कैसे अपोजिट है, कैसे 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है सर, डन हो गया। अभी खुश होने की जरूरत नहीं, ए क्रॉस बी खत्म नहीं हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ, अभी और इसमें बारीकी है, अभी और थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, सीधे बैठे, आई होप यहां तक फील आ गई होगी, यस सर बिल्कुल सर यहां तक फील आ गई। अब सुनो मेरी बात, मैग्नीट्यूड पे चलते, किस पे चलते, मैग्नीट्यूड पे, ये तो देखा ही था, सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो सी वेक्टर है,
तो सी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब सुने, अब यहां पे कुछ स्पेशल केसेस हैं। क्या स्पेशल केसेस हैं, सुनो, स्पेशल केसेस क्या है कि गुरुजी यहां पे जो थीटा है ना, वो जो वैल्यू है ना, या यूं कह लेते हैं अपन, यूं कह लेते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए वेक्टर, हाँ दे दो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, ये यहां पे लिखा। और यहां पे जो स्पेशल केस मैंने लिया वो ये कि थीटा जो है, एक बार अपन कितना कंसिडर कर लेते, जीरो कंसिडर कर लेते, ठीक है, एक बार थीटा यानी इनके बीच का एंगल अपन 90 कंसिडर कर लेते, और एक बार थीटा जो है अपन 180 डिग्री कंसीडर कर लेते। तो सर क्या थीटा सिर्फ और सिर्फ जीरो ही हो सकता है क्या, या थीटा सिर्फ और सिर्फ 90 हो सकता है क्या, या थीटा सिर्फ और सिर्फ 180 हो सकता है क्या? नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर के 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए साइन जीरो का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू। अभी यहां तक क्लियर है? यस सर। सी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो अब थीटा अगर जीरो हो गया, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो पता होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो डिग्रीज कितना होता है बेटा, जीरो है ना। साइन 90 कितना होता है बेटा, पता होना चाहिए, पता होगा वैसे, वन होता है, यस सर। और साइन 180 कितना होता है, साइन 180 डिग्रीज भी जीरो होता है ना, साइन 180 डिग्रीज भी कितना होता है बेटा, जीरो होता है। बोलो समझ में आई बात? यस सर, शाबाश। तो सर अगर थीटा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जीरो, थीटा किस किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, थीटा किस किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, यस सर। तो बेटा अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया है ना। लेकिन थीटा जीरो को फील करें, दो वेक्टर से ए और बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, और उन दोनों के बीच का एंगल जीरो है। इसका मतलब हुआ जैसे दो हाथ हो गए वेक्टर से, एक वेक्टर आगे और दूसरा वेक्टर भी इधर आपकी तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए, यस सर। तो वेक्टर्स आर पैरेलल, ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हो गया 180 डिग्री। अभी समझ में आई बात? 0 डिग्री मतलब पैरेलल वेक्टर्स, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स, 180 मतलब, 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर जो है इस पैरेलल टू बी वेक्टर, ये लिखने का तरीका है, ये पैरेलल पता है ना, यस सर। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, ये लिखने का तरीका है कि परपेंडिकुलर हो गया ए किसके, बी के। और 180 मतलब एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल। ए वेक्टर क्या हो गया बेटा, एंटी पैरेलल किसके, बी वेक्टर के। तो फील करें इसको, ये आगे बार बार नहीं बताया जाएगा, अभी ध्यान से देख लीजिए। जीरो, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूरा परफेक्ट आता है तो आप ये चीज पूरी स्किप कर सकते हो, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट एकदम परफेक्टली आता है तो आप स्किप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं, मेरा पढ़ाने का सिर्फ पर्पज है क्योंकि आपके काम आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ए बी दोनों के बीच का एंगल जीरो मतलब ए हो गया पैरेलल किसके, बी के। ए परपेंडिकुलर टू बी, जब थीटा 90 है मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो गए। थीटा 180 डिग्री हो गया मतलब ए किसके हो गया, एंटी पैरेलल बी के। अब मुझे बताओ साइन जीरो कितना, जीरो। साइन 90 कितना, वन। साइन 180 कितना, जीरो। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा सी का मैग्नीट्यूड, मैं खाली ऐसे भी लिख सकता हूं ना, चलो पूरा आपके तसल्ली के लिए लिख देता हूं। सी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो कितना हो गया, अबे थीटा जब जीरो पुट होगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो कितना आ गया, जीरो हो गया। इन द सेम वे यहां पे C का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा गुरुजी, 180 डिग्री। साइन 180 कितना होता है, जीरो। तो यहां पे भी जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, यस सर। अब थीटा जब 90 पुट होगा, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, वन। तो C का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा गुरुजी, डायरेक्ट आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसको आप देख लीजिए, सही है क्या, यस सर। इसको अपन ना इन स्पेशल केसेस को यहाँ पे डब्बे में बंद कर देते हैं, ये देख लो, ये देख लो। जीरो डिग्री का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर्स क्या हो गए पैरेलल। 90 का मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, 180 का मतलब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल। पैरेलल परपेंडिकुलर एंटी पैरेलल, पैरेलल में भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब दो वेक्टर से पैरेलल, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जीरो आएगा, दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, यस सर। इसको आप देख लो, यहां पे मैं दिल वगैरह बना देता हूं, ठीक है, ये देख लो, ये देख लो फटाफट से, तब तक मैं चाय पी लेता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके सर, हाँ भाई, ये डन हो गया, यस सर। अब सुनो, अब सुनो, इधर देखो, क्या आपको पता है कि आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, यस सर। आई कैप जे कैप के कैप आपने बताया था सर, आई कैप जे कैप और के कैप होते यूनिट वेक्टर्स, क्या होते यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा,
यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, के कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया? वन हो गया। क्यों? क्योंकि सबके सब यूनिट वेक्टर से। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। बोलो बेटा ये सब। अब सुनो, अब सुनो, जैसे मैं लिखूं आई क्रॉस आई, है ना, आई क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ? दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड कितने हैं? वन और वन, जिनके बीच का एंगल कितना है? जीरो। आई और आई तो पैरेलल ही हुए ना, दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यस सर। जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, बेटा अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा ना तो नीट छोड़ो, बोर्ड में भी सवाल नहीं हो पाएंगे इस चैप्टर के क्रॉस प्रोडक्ट वाले। तो ये दोनों के लिए लाभदायक है, ठीक है। अब सुनो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये दोनों वेक्टर्स हो गए जिनके मैग्नीट्यूड है वन और वन, ये दोनों वेक्टर हो गए जिनके मैग्नीट्यूड है वन और वन, ये दोनों वेक्टर हो गए जिनके मैग्नीट्यूड है वन और वन, ठीक है सर, है ना। अब इनके बीच का एंगल कितना है? I और I के बीच का जीरो, क्योंकि दोनों x एक्सिस के अलोंग है। तो एंगल जब जीरो हो जाता है, मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो होता है। यस सर। अभी आपने बताया ना पिछले पेज पर क्या, कि दो पैरेलल वेक्टर्स या दो एंटी पैरेलल, ये दो वेक्टर्स है इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ये दो वेक्टर्स है इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। जे क्रॉस जे दोनों y एक्सिस के अलोंग है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। के क्रॉस के दोनों z एक्सिस के अलोंग, दोनों z एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। जी हाँ, तो ये पता होना चाहिए क्या बेटा, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। बोलो समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहां पे हमने इस पे बना दिए दिल, बना दिए खूब सारे। बोलो बेटा। यस सर। बोलो सर, दिल तो हमारी एक्स बनाया करती थी चैट करते वक्त, गुरु जी आपको मतलब आप मानते ही नहीं हो, जो है जख्म मरे कर देते हमारे। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कॉलेज जाके डन हो गया। यस सर। लेकिन क्या होगा गुरुजी, अगर आई क्रॉस जे होगा, मतलब आई का आई के साथ नहीं, जे का साथ नहीं, के का के साथ नहीं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आई का जे के साथ होता है, जे का के साथ होता है, आई का के साथ होता है, तब क्या करेंगे? मैं बताता हूं, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये डन हो गया। यस सर, की पॉइंट बता रहा हूं मैं तुमको। अरे भाई की पॉइंट बता रहा हूं, सुन लो, ठीक है ना। क्या की पॉइंट है? देखो सबसे पहले क्या करो, आई जे और के ऐसे बनाओ, कैसे, आई जे और के, क्या बनाओ, आई जे के, ठीक है, ऐसे बना लो जैसे मैंने बनाया वैसे बना लो, और एक साइकिल बना लो क्लॉकवाइज वाली, आई से जे, जे से के, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो सीख लो, आई ऐसे बनाओ, जे ऐसे बनाओ, के ऐसे बनाओ, फिर एक क्लॉकवाइज साइकिल बना लो, ऐसे क्लॉकवाइज, समझते हो, घड़ी की दिशा, हाँ सर, ऐसे क्लॉकवाइज बना लो। अब सुनो मजे की बात, अब सुनो मजे की बात, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब साइकिल के साथ ही चल रहा हूं, कैसी साइकिल बनी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे कितना हो गया, के कैप लिख दो, कितना लिख दो, के कैप। लेकिन अगर आपको जे क्रॉस आई बोल दे, क्या बोल दे, जे क्रॉस आई बोल दे, जे क्रॉस आई, तो आपको साइकिल का उल्टा जाना पड़ रहा है, मतलब आप देखो दो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट फिर कुछ के में आएगा, ठीक है, वैसे जे और के का कुछ क्रॉस प्रोडक्ट आई में आएगा, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जो बचा हुआ तीसरा होगा जे उसमें आएगा, लेकिन साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे करना है, आई क्रॉस जे, तो आई से जे चल रहे हो तो बिल्कुल इस साइकिल में ही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना लिख दिया, के कैप, लेकिन जे क्रॉस आई, तो ये क्लॉकवाइज साइकिल के अपोजिट उल्टा जा रहे हो ना, साइकिल से उल्टा जा रहे हो, जे क्रॉस आई, साइकिल बोल रही आई से जे जाओ, लेकिन आप जे क्रॉस आई कर रहे हो तो आएगा माइनस के, समझ गए, अच्छा हमें सिखा रही है, और क्या, देख इधर गुरु जी, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के मतलब बचा हुआ है क्या, गया आई कैप, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों, जे क्रॉस के मतलब जे से के, साइकिल के साथ ही चल रहे हो तो पॉजिटिव, गुरुजी के क्रॉस जे हो गया तो के क्रॉस जे, के जे तो बचा हुआ कौन सा, आई, पॉजिटिव नेगेटिव, के क्रॉस जे मतलब के से जे, साइकिल से उल्टा चल रहे हो तो माइनस, साइकिल से उल्टा चल रहे हो तो माइनस। सर वैसे ही के क्रॉस आई, सुन लो, के क्रॉस आई, तो अब के आई तीसरा क्या बताया, जे, तो यहां पर आ गया जे, यस, अब के क्रॉस आई कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, के क्रॉस आई मतलब के से आई, साइकिल के साथ चल रहे हो तो प्लस जे, मान लो आई क्रॉस के हो गया तो आएगा जी, अरे आप तो देखो आई जे के आई के जे आई मतलब माइनस आई, मतलब आप समझो कि दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, जैसे आई और जे का करो तो के में आएगा, जे और के का करो तो बचा हुआ आई में आएगा, के और आई का करो तो जे में आएगा, सही बात है। साइन का क्या करना है, साइकिल के साथ चल रहे हो तो पॉजिटिव, साइकिल से उल्टा चल रहे हो तो नेगेटिव, दैट्स इट। के क्रॉस आई, साइकिल के साथ चल रहे हो प्लस जे, आई क्रॉस के, साइकिल से उल्टा चल रहे हो माइनस जे, डन हो गया। तो क्या गुरुजी हमको रटने हैं? नहीं पगले, ये सब क्या रटेगा बेटा, पगला है क्या एकदम, ये ट्रिक याद रख ले, की पॉइंट याद रख ले, समझ में आ गया, साइकिल के साथ चल रहा है पॉजिटिव, साइकिल से उल्टा चल रहा है नेगेटिव, ये देख ले, हाँ सर, डर हो गया, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, है ना, सही बात है, बाकी सारे मैंने बता ही दिया आपको, डन हो गया। यस सर, बिल्कुल सर, डन हो गया।
अब हम एकदम चकपक तैनात हैं बेटा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो क्या अब हम दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना। अभी तक ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है, सुनो, वेक्टर का क्या होता है गुरु जी? मल्टीप्लीकेशन होता है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, या यू कह लो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना सर? यस सर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। कितने प्रकार का मल्टीप्लीकेशन होता है वेक्टर्स का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है सर? एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यस सर, क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो वेक्टर ले लो आप, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल कितना ले लो? थीटा। समझ में आ रही बात? यस सर। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो कैसा आता है? स्केलर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्टेंट कैसा आता है? वेक्टर आता है। ए डॉट बी, ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। ये जो रिजल्टेंट आएगा ये कैसा आएगा? ए डॉट बी स्केलर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन है। इसका ये जो रिजल्टेंट है स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया होता? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये जो रिजल्टेंट है स्केलर है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है डॉट प्रोडक्ट में। और ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं ऑलरेडी, यहां पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। बोलो लाला। यस सर। सर एक मिनट, मैग्नीट्यूड भी बोलो। डन हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट स्केलर आया, यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन, और मैं दोनों निकालना सिखा चुका हूं, ठीक है। ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आप क्या करो, एक एरो बना लो ए से बी, और राइट हैंड के फिंगर्स को आप उसी प्लेन में कर्ल करो, ए से बी जो एरो बना उस डायरेक्शन में, अंगूठा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। बोलो हाँ है ना? यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, कितना हो गया? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। आगे चलते, यहां पे हमने देखा थीटा जीरो हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, स्पेशल केस है। जीरो मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए? पैरेलल। 90 जीरो मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल एक ही डायरेक्शन, 90 मतलब परपेंडिकुलर, 180 मतलब एंटी पैरेलल। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 90 का वैल्यू वन, और साइन 180 का वैल्यू जीरो, यानी कि दो वेक्टर्स जब पैरेलल हुए तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल हुए तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हुए तो कितना आ गया रिजल्टेंट? ए इंटू बी आ गया। डन हो गया? यस सर। उसके बाद गुरुजी ने हमको बताया आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड वन है, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, और बाकी गुरुजी ने ट्रिक सिखा दी कि इन तीनों में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, वो पूरी ट्रिक सिखा दी। डन? यस सर। अब फाइनली 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 हम देखने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना होता है। अच्छा, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आसान होता ना? मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या हो गया वो ax i cap plus ay j cap plus az k cap। अब इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, ax ay az की जगह मैंने इन जनरल क्या ले लिया, ax ay az। बोलो बेटा। यस सर। b वेक्टर क्या हो गया, bx i cap plus by j cap plus bz k cap, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, bx by bz की जगह। यस सर। अगर डॉट प्रोडक्ट पूछता है, मैं सिखा चुका आपको a डॉट b। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में कितना बढ़िया सीन रहता है समझो, कि a डॉट b और b डॉट a बराबर होता है, वहां पे कोई टंटा नहीं है कि ए डॉट बी इधर बी डॉट उधर, स्केलर है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं। कितना हो जाता है सर? आपने सिखाया था डॉट प्रोडक्ट, अब सिखाया तो रिवाइज भी कर लो। डॉट प्रोडक्ट सिखाया था आपने सर, एक आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। कैसे? डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, आई का आई के साथ, एक्स इंटू बी एक्स। यस सर। एक्स इंटू बी एक्स प्लस जे का जे के साथ, ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई प्लस के का के साथ, ए जेड इंटू बी जेड, है ना।
ये क्या हो गया एजेड इंटू BZ. बोलो बेटा AZ into BZ, है ना, ये हुआ डॉट प्रोडक्ट. पर हमारा उद्देश्य क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देगा. तो अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से गुरुजी, ए क्रॉस बी मतलब ये जो है AX I cap plus AY J cap plus, है ना, plus AZ K cap cross ये वाला BX I cap plus BY J cap एक मिनट plus BY J cap plus BZ K cap, है ना, सही है. अब गुरुजी इस ब्रैकेट में तीन टर्म, इस ब्रैकेट में तीन टर्म, तो तीन टर्म यहां तीन टर्म यहां, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा ओहे मोरी मैया नौ टर्म आ जाएंगे, पगला जाएंगे हम तो पेपर में, क्रॉस 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 ही करते रह जाएंगे, और कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई तो खेल खत्म, खत्म गया, टाटा बाय बाय गुड बाय. ठीक है, तो बेटा यहां पे तुम्हारा भाई तुमको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाने वाला है. क्या सिखाने वाला है, शॉर्ट ट्रिक भी. अगर आपकी इच्छा है तो आप यहां पे तीन टर्म, यहां पे तीन टर्म जब आप खोलोगे, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस प्लस, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस प्लस, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस, बस करो गुरुजी हमारी आंखें जो है भर आएंगी. ये सब आपको करना पड़ेगा. तो ये लॉन्ग मेथड है. कैसा मेथड है, लॉन्ग मेथड. ठीक है, तो तुम्हारा भाई तुमको जो है शॉर्टकट सिखाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको अटेंटिव रहना पड़ेगा. बोलो डन, यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई. हाँ, बस ये जो मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखाने वाला हूं उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट खत्म, एकदम बिल्कुल खत्म. देख लो इधर, सही है क्या, लॉन्ग मेथड तो कौन ही करेगा, ये मेथड सबको आना चाहिए. ये देखो वापस वही सब ले लिया, इन जनरल ले रहे, ए वेक्टर क्या हो गया ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी वेक्टर क्या हो गया बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप. अब एक रॉस भी निकालना है, एक रॉस भी निकालना है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, एक रॉस भी निकालना है. तो सबसे पहले क्या करना है, एक रॉस भी निकालने के लिए, बेसिकली एक रॉस भी निकालेंगे तो एक क्रॉस बी काय में आएगा, आई कैप जे कैप के कैप में आएगा. तो कैसे करना है, एक क्रॉस बी एक डब्बा बनाओ, इसको डब्बा मेथड भी बोलते हैं या डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं, आप इसको डब्बा मेथड बोल सकते हो. ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ रही क्या, अरे बोलो यस सर. ठीक है, तो एक डब्बा बनाओ तीन फिट बाय तीन फिट का. क्या बात कर रहे हो सर, अरे बना तो सही तीन फिट बाय तीन फिट का, तीन फिट बाय तीन फिट, तो सर पेपर में हमको सच में तीन फिट का बनाना है क्या, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन. अरे एक डब्बा बना ले यार, इसको ऐसे है ना डब्बा बोल ले, डिटरमिनेंट बोलते मैथ्स की भाषा में, थ्री बाय थ्री का, थ्री बाय थ्री का डब्बा बना ले, है ना, थ्री थ्री थ्री. ओके, अब क्या करने का मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले रिवाज के अनुसार, सबसे पहले रिवाज के अनुसार आप यहां पे लिखोगे आई कैप, यहां पे लिखोगे जे कैप, यहां पे लिखोगे के कैप. बोलो ठीक, हाँ सर, आई कैप जे कैप के कैप. ओके, अब ए क्रॉस भी करो, तो पहले ए आया फिर बी आया, ए आया फिर बी आया, यस सर, है ना. तो a के जो कोएफिशिएंट्स है कौन कौन से, ए एक्स ए वाई ए जेड, साइन के साथ, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, यहां पे ले आओ. ठीक है ना, a पहले आए तो a के कोएफिशिएंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर b आ रहा है, यस सर, तो b के कोएफिशिएंट बी एक्स बी वाई बी जेड ले आओ, बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे लिख दो. बोलो चलेगा, यस सर बिल्कुल चलेगा. तो तीन बाय तीन का डब्बा बनाया, ये भर दिया. अब ताकि यहां पे आगे प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो, तो जो नीचे डैश डैश है यह हटा के मैं पूरा ऐसे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई, एक मिनट, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड. ठीक है, अब एक चीज हो, है ना, डन हो गया. अगर सर बी क्रॉस से होता तो पहले बी के कोफिशियंट आ जाते बी एक्स बी वाई बी जेड और फिर ए के कोफिशियंट आ जाते ए एक्स ए वाई ए जेड. बोलो डन, यस. ये रिवाज के अनुसार आपको डब्बा बना लेना है. कौन सा मेथड है, डब्बा मेथड. कौन सा मेथड, डब्बा मेथड. डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, इधर देखो. ठीक है सर, इधर देखो. अब रिवाज के अनुसार एक चीज और करनी है लास्ट, आई कैप के ऊपर प्लस, जे कैप के ऊपर माइनस, के कैप के ऊपर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये और लिख लेना गुरु जी. और कुछ 10-15 चीजें करनी हो तो बता दो. नहीं नहीं बस यही है ना, प्लस माइनस प्लस, आई कैप के ऊपर प्लस, जे कैप के ऊपर माइनस, के कैप के ऊपर प्लस. अब ये किसके बराबर होगा, बहुत ध्यान से देखना. रेडी, आपने कभी सुडोकू खेला, सुडोकू गुरुजी, ये सुडोकू कैसा नाम है, अजीब सा. कोई बात नहीं, वो दिमाग वालों के लिए होता है. अब हम गिली डंडे से आगे बढ़ेंगे तो सुडोकू खेलेंगे. तो अगर आपने ऐसे सुडोकू खेला हो तो उसमें ऐसा कुछ होता था कि यार जैसे सबसे पहले सुनो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है. सबसे पहले आई कैप आ रहा है, यस सर, सबसे पहले आई कैप आ रहा है, आई कैप लिख लिया. सबसे पहले क्या आ रहा है, आई कैप. तो आई कैप आ गया यहां से, हाँ सर. अब आपने क्या करना है, अब आपने ये और ये काट देना है. क्या कर देना, ये काट देना. क्या किया आपने, ये और ये कट कर दिया. ठीक है ना, आई कैप आ रहा है, आई कैप लिख लिया. आई कैप के ऊपर प्लस है तो प्लस आई कैप लिख लिया. अभी जो आई कैप को काटते हुए दो लाइन बना ली, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना, आई कैप को काट दिया. क्या बचा आपके पास, ये चीजें बची. अब सुनो क्या करोगे, मजे की बात सुनो. ठीक है,
ए वाई इंटू बी जेड, ये काट दिया आपने, गायब हो गया। यस सर। अब सुनो ये सब चीजें बची, अब सुनो ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड है ना, सुनने में अजीब लग सकता है। ए वाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक काम कर लेता हूं इसको ना कॉपी कर लेता हूं ताकि अपन तीन स्टेप्स ऐसे करने, ठीक है क्या? यस सर। ओके, अब देखो आपने इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस माइनस बी वाई इंटू ए जेड है ना, ए वाई दिस इंटू दिस, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, बी वाई इंटू ए जेड, ये हो गया डन। अरे डन हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब किसकी बारी आई? आई कैप हो गया। यस सर। अब किसकी बारी है? माइनस जे कैप। आई कैप के ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्लस। जे कैप के ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और यहां तक तो लिख ही लेते हैं, यहां तक हो चुका है कितना, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, बोलो ठीक है। अब किसकी बारी आई? आई कैप हो गया। अब आई माइनस जे कैप की बारी। बांधी कमरिया पे साड़ी की आई अब माइनस जे कैप की बारी। पहले हो गया प्लस आई कैप, अब करेंगे माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, और ऐसे ब्रैकेट बना लिया। अब एक मिनट, ये सर, अब किसकी बारी बेटा? अब आई माइनस जे कैप की बारी। यहां पे लिख लिया प्लस आई कैप, यहां पे आ जाएगा माइनस जे कैप, है ना। प्लस आई कैप के बाद कौन आ गया? गुरुजी माइनस जे कैप। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पहली बार जो ये लोग पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं मैथ, तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, माइनस जे कैप माइनस जे कैप। चलो अब किसको निपटाएंगे? जे कैप को निपटाएंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पहले किसको निपटाया था? आई कैप को निपटाया था। आई कैप के से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आई कैप से पास होती हुई वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर जो बचा तो ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। अब जे कैप से पास होती एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन बचा? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। अब क्या करोगे देखो, अब आप क्या करोगे, ये देखो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, मतलब दिस इंटू दिस, यानी ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, बोलो बेटा। यस, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, इसको उड़ा दिया, माइनस जे कैप से पास होती एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बचा? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ये लिख लिया। यस सर। अब बताओ किसकी बारी आएगी? हाँ सर, अब हम समझ गए। अब पहले प्लस आई कैप माइनस जे कैप, अब प्लस के कैप की बारी आएगी, आगे चलते हैं। प्लस के कैप की, तो लिख लिया प्लस के कैप। यस सर। और के कैप, हाँ सर समझ गए, के कैप से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन, इसको काट दिया और एक हॉरिजॉन्टल, के कैप को काटती हुई एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, कौन बचा गुरुजी बता? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। यस सर। तो अब दिस इंटू दिस, अगेन दिस इंटू दिस, यानी ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस दिस इंटू दिस बी एक्स इंटू ए वाई, समझे? ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ठीक है सर, समझ गए। देखो वो आ गया, तो सर ये हो गया सॉल्व? यस सर, बिल्कुल हो गया। यही रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट है, यही है ए क्रॉस बी। सर तो हम एक काम कर लेते हैं ना, इसको रट लेते हैं। बेटा अब भी याद रखेगा, आधे घंटे बाद भूल जाएगा। तो मैं तेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जैसे ये रहा एक क्वेश्चन, इसको आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे, जो आपने अभी सीखा है, इसको मैं फटाफट से एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं क्या करने का है। देखो क्या करने का, शॉर्टकट मेथड है ना, की पॉइंट है, की पॉइंट है, कौन सा मेथड? की पॉइंट है, कौन सा मेथड गुरुजी? डब्बा मेथड, अंग्रेजी में इसको डिटरमिनेंट मेथड बोलेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने की निंजा टेक्निक, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ए क्रॉस बी करो तो पहले ए फिर बी, डब्बा बना लो तीन बाय तीन का, वन टू थ्री वन टू थ्री, तीन बाय तीन का, यस, तीन रो और तीन कॉलम, तीन रोज और तीन कॉलम्स, ठीक है सर। अब देखो पहले लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए पहले आ रहा है तो ए के कोफिशियंट भर लिए, फिर बी आ रहा है तो बी के कोफिशियंट भर लिए। यस सर। अब रिवाज के अनुसार आई कैप के ऊपर प्लस, जे कैप के ऊपर माइनस, के कैप के ऊपर प्लस लिख के प्लस आई कैप से शुरू करेंगे, प्लस आई कैप लिख दिया। यस सर। आई कैप से पास होती हुई एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ये बचा तो दिस इंटू दिस, यही ऑर्डर रहना चाहिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, आगे चलो। अब कौन आया इसके ऊपर? माइनस जे कैप, तो लिख दो माइनस जे कैप। यस सर। जे कैप से पास होती एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब बचे, ये एक दो तीन चार। अब क्या करोगे? दिस इंटू दिस, हमेशा ये ऑर्डर होना चाहिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। दिस इंटू दिस ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। यस सर। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको मजा आने लगेगा और एक खटखट सॉल्व होने लगेगा, ये इसको सॉल्व करने का तरीका। अब कौन बचा? प्लस के कैप, आगे चलो। प्लस के कैप, प्लस के कैप लिख दिया यहां पे। यस सर। के कैप से पास होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हाँ सर। कितना आ गया? ये चार बचे, हाँ सर समझ गए। दिस इंटू दिस ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, यही अपना ए क्रॉस बी। यही कौन है? एक मिनट भाई, ये कौन है?
ये कौन है ए क्रॉस बी। अच्छा गुरुजी अगर बी क्रॉस से निकालना होता तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी क्रॉस से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी को बेस पसंद है। नहीं इधर देखो, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होते, लेकिन क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठियों, मेरे शहजादों, हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। क्यों? क्यों ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों कैसे हैं बेटा? इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये पूरा फाइनली हमारे पास ए क्रॉस बी आ चुका है। और अगर आप चाहते हो कि बी क्रॉस ए लिखना है तो पूरे को ए क्रॉस बी जो है ना, पूरा जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। अरे क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है? माइनस बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए चाहिए, तो आप इस पूरे को, ये जो पूरा है, ये पूरा है, इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इसको माइनस से, इसको माइनस से, इसको माइनस से। समझ गए? यस सर। तो ए क्रॉस बी आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। डब्बा मैं आपके लिए बना देता हूं, इतनी मदद कर देना, बाकी आपको करना है। कैसे? फाइंड, ये क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? इसका मतलब हुआ, अरे डब्बे का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है सर, तो पहले ए क्रॉस बी तो निकालें, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालें, पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लें। यस सर, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले रिवाज के अनुसार डब्बा, यस सर, 3x3 का डब्बा, हाँ सर, तो यहां 3x3 आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी मतलब पहले ए आएगा फिर बी, यस सर। तो ए के कोफिशिएंट कितने हुए? 3, -4 और 6। तो यहां पे लिख लिया 3, -4 और 6। फिर बी के कोफिशिएंट 4, 5 और -3। 4, 5 और -3 क्या बोलती है पब्लिक? यस सर। अब मैं वापस से वो कॉपी करके तीन पेज में नहीं, यहीं पे डायरेक्ट करेंगे। बोलो समझ गए? यस सर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, डब्बा बना लिया रिवाज के अनुसार आई जे के, ए पहले है तो ए के कोफिशिएंट 3, -4, 6, फिर बी है तो 4, 5, -3 लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं साइड में आ रहा हूं, अब आप इसको सॉल्व करोगे, आई कैप फिर आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगाना है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस, तो यार आई कैप के साथ कुछ आएगा? यस सर। फिर माइनस जे कैप के साथ कुछ आएगा? फिर प्लस के कैप के साथ कुछ आएगा? यस सर। कर लो, तुम कर लो फटाफट से, कोई बताओ हो गया? हाँ सर, देखो आई कैप रेडी है, रेडी हो सीधा बैठ एकदम, यस सर रेडी है आई कैप। ये एक वर्टिकल लाइन मन में बना ले, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल है, यस सर। ये छुप गया और ये छुप गया, फिर क्या बचा? दिस एंड दिस, अरे ये उड़ गया और ये उड़ गया, मन में बना लिया करे लाइन, यस। तो ये चारों बचे फिर, यस सर ये चार, तो -4 × -3, -4 × -3 कितना हुआ? क्या बचा? ये चारों चीजें बची, तो 3 × -3 है ना, तो 3 × -3 -9 - 4 × 6 = 24। बोलो, यार बेटा यार ये दोनों चीजें हटा दी है सर, तो 3 × -3 कितना हो गया? -9। माइनस तो आते ही 3 × -3 हो गया -9, फिर बीच में माइनस तो रिवाज के अनुसार आते ही है सर, 4 × 6 = 24। यस सर, ये डन हो गया। अब के कैप प्लस के कैप, प्लस के कैप हटा दिया, ये चार बचे, 3 × 5 = 15। यस सर, फिर रिवाज के अनुसार माइनस तो आना ही है ना, ये के कैप के लिए हटा दिया आपने, हाँ सर बिल्कुल। अब 3 × 5 कितना हो गया? ये चार चीजें बची, तो 3 × 5 = 50, इसको हटा देते, 3 × 5 = 15। माइनस तो रिवाज के अनुसार लगाने, माइनस 4 × -4 = -4 कितना हो गया? -16। तो यहां पे लिख दिया आपने -16, बस हो गया है ना, डन हो गया। कितना आया आंसर? देखो ये आया आपके पास 12 - 30 कितना हो गया? -18। तो आ गया -18 आई कैप। -9 - 24 कितना हुआ गुरुजी? 9 और 24 कितना होगा? 33 होता है, यस सर। तो आया -33, -33 × -j, -± + +33j कैप, यस सर। 15 - -16 - -+ 15 + 16 = 31। तो आ गया +31 के कैप, कितना हो गया? +31 के कैप। बोलो लाला, यस सर बिल्कुल सर, ये आ गया, देखो वो आ गया, ये ए क्रॉस बी आया। सुनना मेरी बात, मजे की बात सुनो, ए क्रॉस बी कितना आया? यहां पे लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी आया आपके पास -18 + 33 + 31, -18 + 33 जे कैप +31 के कैप। बोलो, यस सर, ये आया। अब मान लो सर बी क्रॉस से पूछा होता था, अगर बी क्रॉस से पूछा होता था
तो आप जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 18 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किससे, ये जो आपने ऊपर निकाला है ना, अरे जो ऊपर निकाला ना ए क्रॉस बी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बी क्रॉस आ जाएगा, कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ गुरु, जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका जस्ट उल्टा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया। तो ए क्रॉस बी भी निकालना आ गया, बी क्रॉस ए भी निकालना आ गया, बोलो यस सर। असर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हारे भाई ने तुमको पहले ही सिखा दिया है, कैसे, लेट सपोज, लेट सपोज कोई वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर ऐसे लिखा हुआ, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, या ऐसे लिख दो, मान लो यार ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा बेटा, गुरुजी ने पहले ही सिखा रखा, बताओ याद है तुम्हें कि नहीं याद है, हाँ सर याद है, कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब साला एक बात बताओ, ये नेगेटिव हुआ तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव, यस सर। तो ये निकालने का तरीका हो गया मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर है आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माइनस हो प्लस हो कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाना। तो गुरु जी आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो या इसका निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आपको सिर्फ कोफिशिएंट दिखने चाहिए, प्लस हो माइनस हो कोई मतलब, 18 दिख रहा है 18 का स्क्वायर प्लस, सर प्लस 33 माइनस, अरे कोई फर्क नहीं, प्लस हो माइनस 33 दिख रहा है प्लस 33 का स्क्वायर, 31 दिख रहा है 31 का स्क्वायर, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया जमा जम, मैग्नीट्यूड आ गया। अब वो जितना भी आता है वो ठीक है, वो तो अपन ने रैंडमली वैल्यूज ली थी इसलिए इतना भीषण आ रहा है, नीट में इतना भीषण नहीं होगा। ये आ गया मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ये आ गया मैग्नीट्यूड, डन हो गया, ये देख लो भाई, यस सर, कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं, देखो भाई फटाफट से फिर चले आगे, हाँ गुरु जी देख लिया, चल भाई। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे अब क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं आराम से, हाँ सर आराम से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डन हो गया, ठीक है, लंबा चला क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन बिना क्रॉस प्रोडक्ट के हमारी गाड़ी अटक जाती, आगे ही नहीं बढ़ती, फिर क्या फायदा, बोर्ड्स में भी ऐसे सवाल पूछ सकता है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछेगा लेकिन आगे आने वाले जो सवाल है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट भर भर के यूज होगा, ठीक है, वो सब पूछ सकता है। तो आई होप अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी निकालना गया, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी निकालना गया, ये ट्वेल्थ का पोर्शन नहीं है, काफी लंबा चल गया भाई, ये ट्वेल्थ का पोर्शन नहीं है, ये मैंने आपको क्या करवाया, 11th का रिवीजन करवाया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या डन है, यस सर। और क्या देख लिया हमने आज के लेक्चर में, वो सॉलिड सिलेंडर की वजह से देख लिया, और क्या देख लिया, होमवर्क डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास का, ठीक है भाई। अब फाइनली अब जाके शुरू हो पा रहा है, बताओ देखो भाई, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब समझो, इसकी अपन हेडिंग पे चलते हैं और इसकी हेडिंग एक बार पढ़ो, और मेरे को मैं साइड हो जाता हूं, इसकी हेडिंग पढ़ो और समझो कि इसका क्या मतलब है, बताओ मेरे को हेडिंग क्या बोल रही है, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हेडिंग पढ़ती समझ आ जाए, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, कोई चार्ज मूव कर रहा है, अब वो मूव क्यों कर रहा है, अभी आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई मूविंग चार्ज है किसमें, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जैसे पहले होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होता था, यस सर, वैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज है और वो मूव कर रहा है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है उसमें कितना फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर किसी चार्ज क्यू को रख देते थे या चला देते थे वॉट एवर, कितना फोर्स लगता था, क्यू इंटू ई, डायरेक्ट क्यू इंटू ई। यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में, यहां पर देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इंटू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, तीन चीजें यहां पे Q V B समझते हैं, इनफैक्ट चार चीजें, 1 2 3 4 F Q V B क्या है, सबसे पहले F की बात करें, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू, जो चार्ज क्यू है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स वेक्टर है ऑब्वियसली, सर Q क्या है, Q एक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ऑफ पार्टिकल जिसपे हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये वेलोसिटी है स्पीड है गुरु जी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, यस सर, क्रॉस बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो जो होता है ना MFI मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा उसके अलग अलग नाम है, तो पेपर में अलग अगर अलग अलग नाम दे दी तो परेशान नहीं होना है, तो तुम्हारे भाई ने लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो स्लैश मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो स्लैश मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल लो कुछ भी बोल लो, तो चार चीजें F Q V B, F इज वॉट,
क्यू चार्ज पे जो लग रहा है फोर्स वो, क्यू क्या है चार्ज है पार्टिकल का, वी क्या है वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से चल रहा है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो डन हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे क्यू को मैं छोड़ दू, क्यू को मैं छोड़ दू मतलब क्यू को एक बार छुपा दू, तो वी क्रॉस बी यानी जब मैं वी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं और उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है फोर्स वेक्टर। यस सर। तो अगर मैं क्यू को छुपा दू तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उससे मुझे क्या मिल जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। बोलो हाँ ना खैर पहले होता है यहां तक बात समझ में। हाँ सर। तो F वेक्टर बराबर Q V क्रॉस B, F वेक्टर बराबर Q इंटू V क्रॉस B, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको देख लो। बोलो हाँ ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यस सर, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं लिख रहा हूं नोट, एक मिनट भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं नोट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है मूविंग चार्ज, मूव होना क्यों जरूरी है, क्योंकि मूव अगर नहीं होगा, अगर वो चार्ज रेस्ट पर है, अगर वो चार्ज रेस्ट पर है अगर चार्ज, तो वेलोसिटी जीरो हो गया और ये जीरो हो गया तो ये सब कुछ जीरो हो गया, तो फोर्स भी जीरो हो गया। अच्छा हमें सिखा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उस पर कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जैसी जीरो होगी, ये जीरो हो जाएगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। कुछ समझ में आएगा? समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? चलो थोड़ा सा जगह पर, जगह की कमी है, वैसे तो जगह दिल में होती है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं नोट लगा के या की पॉइंट बोलो कुछ भी बोलो। पहला, अ चार्ज एट रेस्ट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अ चार्ज एट रेस्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, अब रेस्ट पर है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी जीरो। अ चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी जीरो। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से आ रहा है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। यस। तो अगर चार्ज रेस्ट पर हो जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अ चार्ज एट रेस्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी कितना हो जाएगा जीरो। डन। यस सर। दूसरा पॉइंट, मान लो मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन मतलब चार्जलेस, चार्ज ही नहीं होगा किसी पे, क्यू ही जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा, तो ये वी क्रॉस बी भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हेडिंग ही कह रही है, क्या हेडिंग कह रही है बेटा? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इसका मतलब वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट चार्ज पार्टिकल, तो कोई चार्जलेस पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि क्यू कितना हो जाएगा जीरो, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या बना? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड is zero न्यूट्रल पार्टिकल्स, है ना, न्यूट्रल पार्टिकल्स जो न्यूट्रल है उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा लाला? न्यूट्रल है मतलब चार्ज जीरो है, और चार्ज जीरो है तो फोर्स भी कितना हो जाना है जीरो। तो ये दो पॉइंट आई होप समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप चाहते हो कि कोई चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे, तो पहली बात वो चार्ज होना चाहिए, भले पॉजिटिवली चार्ज हो भले नेगेटिवली चार्ज हो पर चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात वो मूविंग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट पर हुआ तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लगेगा। यस सर। तो अ पार्टिकल शुड बी मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द पार्टिकल शुड बी चार्ज, इट शुड नॉट बी न्यूट्रल टू एक्सपीरियंस फोर्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कंसेप्ट अभी तक का, एकदम चकपक, एकदम मस्त चकाचक। यस सर, बिल्कुल सर, एकदम चकपक। ये देख लो आप, ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लो फटाफट से, आगे चले फिर। चलो भाई आगे। अब देखो अच्छे से इसको देख लो, मुझे एक बात बताओ, क्यू कितने केसेस हो सकते हैं? क्यू चार्ज यानी एक केस हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज, एक केस हो सकता है नेगेटिवली चार्ज। बोलो हाँ या ना। यस सर। न्यूट्रल होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं और हम उसको डिस्कस कर ही नहीं रहे, है ना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो, यहां पे दो केसेस बन सकते हैं। कैसे केसेस बन सकते हैं? दो केसेस बन सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इनटू V क्रॉस B। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, Q या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव रख दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में?
V क्रॉस B के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, V क्रॉस B के डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चार्ज जो पार्टिकल है, ये या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो आपने लिख दिया गुरुजी पॉजिटिवली चार्ज, और यहां पे लिख दिया गुरुजी आपने नेगेटिवली चार्ज। क्या बोलती है पब्लिक? यस सर, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। अगर ये क्यू पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? V क्रॉस B के डायरेक्शन में। मतलब आप V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालो। और क्या अब तुम V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल सकते हो? हाँ सर, हम तो किसी भी दो वेक्टर जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उनका डायरेक्शन निकाल सकते हो। V क्रॉस B का मतलब आगे देखेंगे। वैसे V क्रॉस B का मतलब एक एरो बनाएंगे V से भी, फिर राइट हैंड की फिंगर्स को उस एरो में कर्ल कर लेंगे। यस सर, एरो के डायरेक्शन में कर्ल कर लेंगे, और जो अंगूठा होगा V क्रॉस B का डायरेक्शन बताएगा। बराबर, खैर, तो क्यू अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगा? V क्रॉस B के डायरेक्शन में। यस सर, तो क्या मैं लिख दूं? F वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, विल बी इन द डायरेक्शन, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। फेयर इनफ, बराबर। हां सर, बिल्कुल सही बात। फोर्स किसके डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन V क्रॉस B की आएगी अंगूठा, वही डायरेक्शन फोर्स वेक्टर का होगा। लेकिन अगर Q यानी चार्ज नेगेटिवली चार्ज होगा तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन आ गया उसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर चार्ज नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये जो पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज है, तो V क्रॉस B आपने निकाला, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस से। और किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करते उसकी डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो जाती है। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर हूं, मुझे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी डायरेक्शन एकदम चेंज होगी। बोलो समझ में आगे क्या बात? अरे बोलो ना, अपोजिट। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर हूं, इस डायरेक्शन माइनस से मल्टीप्लाई किया, तुरंत डायरेक्शन अपोजिट होगी। समझ में आगे बात? ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तुरंत इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये एक वेक्टर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तुरंत इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। समझ गए? यस सर। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। क्यों? क्योंकि V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा अगर नेगेटिवली चार्ज है? अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो फोर्स F वेक्टर विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, विल बी इन द अपोजिट, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। एक बार क्लास जब खत्म होगी ना तो अपन एक क्विक रिकैप ले लेंगे। मेन तो आज क्लास में चर्चा का विषय क्रॉस प्रोडक्ट ही रहा है, बाकी ये तो इजी है। ये सर क्या क्या की पॉइंट्स हो गए देख लो एक बार, इसको सम अप कर लो, है ना, कि F वेक्टर बराबर Q V क्रॉस B। F वेक्टर क्या है? चार्ज पार्टिकल Q पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये सर Q क्या है? जो पार्टिकल है उसका चार्ज। V वेक्टर क्या है? जो चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी। बी वेक्टर क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यस सर। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है यानी वी जीरो है तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा, या फिर जो पार्टिकल है चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा। वो यहां पे लिखा हुआ है दोनों पॉइंट्स। यस सर, बराबर। उसके बाद ये जो फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। अगर जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज तो फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। डन हो गया? यस सर। क्या अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? हां सर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। तो आ जाओ एक सवाल करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको Q का वैल्यू दे दूं, चार्ज ये तो स्केलर है, V का वैल्यू दे दूं, B का वैल्यू दे दूं, i कैप j कैप में, तो आप फोर्स फैक्टर निकाल सकते हो i कैप j कैप k कैप में? हां, कैसे? V क्रॉस B कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, उसको Q से मल्टीप्लाई कर देना, तो फोर्स आ जाए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। तो आ जाओ फिर सवाल देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। PYQ है, 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी, सो इजी, सो लप्पू, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। द मैग्नेटिक फोर्स, बोल दिया मैग्नेटिक फोर्स, F वेक्टर एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रो कूलम। चार्ज पहले दे दिया भाई ने, कितना दे दिया? -2 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब 10^-6 कूलम, ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन y डायरेक्शन। अब देखो, आपको उसने ऐसे नहीं दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड 2 j कैप है, उसने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला मैग्नीट्यूड दे दिया और एक्टिंग इन y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन में कौन होता है? i कैप j कैप या k कैप? y डायरेक्शन में कौन होता है? i कैप j कैप k कैप? बोलो सर, j कैप होता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, समझो, वो थोड़ा सा आपकी भावनाओं के साथ ना खेलेगा, जैसे आपकी एक्स ने आपकी भावनाओं के साथ खेला था, मोए 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 मोए, जैसे आपकी एक्स ने आपकी भावनाओं के साथ खेला था, वैसे नेट का सन की बुड्ढा भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा? 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप, तो क्या 2 जे कैप, ठीक है सर। सर फोर्स निकालने के लिए कि तो क्यू चाहिए, बी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, रुको तो सही,
सब्र तो करो. व्हेन द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज 2i cap + 3j cap × 10⁶ m/s. तो बेटा वेलोसिटी कितनी दे दी उसने गुरुजी, दे दी 2i cap + 3j cap × 10⁶ m/s. बोलो. यस सर, ये दे दी. तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. क्यू दे रखा है, वी दे रखा है, बी दे रखा है. गुरुजी यार यहाँ पे हमको एक बात बताओ, आपने तो हमको जो वेक्टर प्रोडक्ट सिखाया था उसमें तो आई कैप जे कैप के कैप भी था, यहाँ पे तो सिर्फ जे कैप है. तो कोई बात नहीं, समझ जाओ कि ये 0i cap + 2j cap + 0k cap है. गुरुजी यहाँ पे के कैप नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है. इसका मतलब ये कि यहाँ पे के कैप मिसिंग है तो आप जीरो के कैप कर सकते हो. ठीक है, क्यू का वैल्यू पता है, वी का पता है, बी का पता है. मैं साइड हट रहा हूं, आप मुझे आंसर निकाल के बताओ. जी हाँ, अभी के अभी राइट नाउ फटाफट. हाँ भाई देखो, तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एफ वेक्टर बराबर क्यू कितना हो गया 2 μC. यस सर. वी वेलोसिटी कितना हो गया 2i cap + 3j cap. कितना देर का वेलोसिटी 2i cap + 3j cap × 10⁶ है ना, × 10⁶. ये दे रखा क्रॉस, एक मिनट, ये ऐसे और ये क्रॉस. बी बी कितना दे रखा है 2j cap. यस सर, तो यहां पे आ गया 2j cap. अब यही फोर्स होगा. हाँ सर, यही सब आपको निकालना है. ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको. देखो यहां पे ऑप्शंस आपको इस तरीके से दे रखे हैं, 4 newton in z direction. 4 newton in z direction का मतलब हो गया 4k cap. 8 newton in y direction, y मतलब j cap, 8j cap. 8 newton in z direction मतलब हो गया 8k cap. 8 newton in -z direction, माइनस जेड मतलब -k cap. यस सर, मतलब हो गया -k cap. समझो भावनाओं को, फिर से उसने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया. कैसे? ऐसे के कैप जे कैप में आंसर ना देते हो, ऐसे करते हो. समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके. अब देखो भाई, सुनना बहुत ध्यान से बेटा, इस तरीके के सवाल आपसे हो जाने चाहिए. एक काम करें, सबसे पहले 10⁶ को बाहर निकाल लो. 10⁶ को बाहर निकाल, बिल्कुल निकाल सकते साहब. तो क्या हो गया देखो, एफ वेक्टर कितना हो गया, जितना आसान बना सको उतना आसान बनाओ. 10⁶ यहां से 10⁶ बाहर आ गई और दोनों आपस में शहीद हो गए. बोलो ठीक है. यस सर. ब्रैकेट के अंदर क्या बचा गुरुजी? ब्रैकेट के अंदर बचा 2i cap + 3j cap क्रॉस 2j cap. ठीक है सर, ये निपड़ गया. हाँ सर, ये निपड़ गया, जाने दो इसको. अब गुरुजी यहाँ पे हम डब्बा वाला मेथड क्यों लगाए? तो डायरेक्ट हो सकता है, पर गुरुजी आपने तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मना किया था बेटा. तब क्या था, जब एक वेक्टर में 3 terms हैं, दूसरे वेक्टर में 3 terms है, तो 3 × 3 9 terms बनेंगे. यहाँ पे तो एक वेक्टर में 2 term है और ये जो बचा, अरे यार ये 2j cap दूसरा वेक्टर है ना बेटा, एक वेक्टर ही रहा और एक वेक्टर ही रहा, इसमें 2 term, इसमें 1 term, तो कुल मिला के 2 ही term बनेंगे. तो कैसे दिक्कत वाली बात नहीं. आप चाहो तो डिटर्मिनेंट से भी कर लो इसको. आप लिख सकते हो 2i cap + 3j cap + 0k cap. इसको आप लिख लो 0i cap + 2j cap + 0k cap. पर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो. कैसे, मैं बताता हूं. क्या आ गया फोर्स गुरुजी? फोर्स आ गया 2 times. ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट खोलो इसका. 2i cap × 2j cap. 2i cap × 2j. अरे डिसेंट, अरे ऐसे लिखा हो अगर a + b × c. ब्रैकेट नहीं खोल सकता तू? ब्रैकेट खोल सकते कि नहीं खोल सकते? हाँ गुरुजी खोल सकते. a × c + b × c. अरे a × c + b × c ब्रैकेट खोल सकते हैं, बस आपको ब्रैकेट ही तो खोलना है. क्या करना है? 2i cap × 2j cap प्लस 2i cap × 2j cap प्लस 3j cap × 2j cap. ऐसे ही होगा. ब्रैकेट खोल पाएंगे नहीं खोल पाएंगे? हाँ सर, 2i cap × 2j cap लिख लिया. फिर रिवाज के अनुसार प्लस 3j cap × 2j cap. अब गुरुजी आपने बताया था j × j कितना हो जाता है? 0. j × j कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. ये सर, तो क्या बचा फिर खाली? 2, इसको ऐसे येलो से बना देते हैं. 2i cap × 2j cap कितना हो? 2 × 2 = 4. i × j कितना होता है? k, याद कर. अरे बताया तो था i × j कितना होता है. हाँ गुरुजी k होता है. ये रहा बेटाओ भियाओ, i × j कितना होता है? k कैप होता है. ये सर, तो i × j आप कर लो. एक मिनट, कहां गया? ये रहा, i × j कितना हो गया? k. तो कितना आ गया गुरुजी? आ गया 2. अरे आप ये 2 को कॉमन निकाल लो, या फिर आप ऐसे लिख लो, ये 2 इधर लिखे रहने दो, आप ऐसे लिख लो 2i cap × 2j cap. तो 2 × 2 = कितना होता है? 4. यस सर, i × j कितना हो गया? k cap. यस सर, तो कितना आ गया बेटा? 2 × 4 = 8 k cap. 2 × 4 = 8 k cap. यानी क्या आंसर है? चार्ज एक बार चेक कर लेते हैं, बराबर है क्या? -2 है. देखो यहाँ पे सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, यहाँ पे माइनस है चार्ज, तो यहाँ पे हमने क्या रखना पड़ेगा? चार्ज माइनस रखना पड़ेगा, चार्ज माइनस रखना पड़ेगा, चार्ज माइनस रखना पड़ेगा, चार्ज माइनस रखना पड़ेगा. तो फाइनली आंसर भी किसमें आएगा? अरे चार्ज वो माइनस है, माइनस नहीं रखा मैंने, -8 k cap. इसका मतलब -8 k cap कौन से ऑप्शन में आ रहा है? लास्ट ऑप्शन में, डी ऑप्शन. तो कितना आंसर आ गया? 8 newton in -z direction. सही है? यस सर. यहाँ पे क्या कि एक बार और देख लो इसका सॉल्यूशन फटाफट से. सारी वैल्यूज पुट कर दी, हो गया चार्ज
ऐसे लिख देते, ये हो गया चार्ज, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो यहां से 10^6 बाहर ले लिया आपने, 10^6 क्या कर लिया बेटा, अरे 10^6 क्या कर लिया बाहर, तो -2 × 10^-6 × 10^6 शहीद हो गया। अंदर क्या रह गया, 2i cap + 3j cap × 2j cap। अब आप इसको डायरेक्ट खोल सकते हो, आप चाहो तो इसको डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये डायरेक्ट हो रहा ना, बहुत ही छोटा सा है, 2i cap × 2j cap + 3j cap × 2j cap, j × j कितना होता है 0। अब आपने ये लिख लिया -2, 2 × 2 = 4, i × j कितना होता है k, तो हो गया -2 × 4 cap, अरे -2 × 4 cap कितना हो गया -8 cap, डन आ गया, यस सर डन आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस, वाह वाह। क्या हम कर सकते हैं ऐसे सवाल बेटा, बिल्कुल। अरे यार थोड़ा तो आपको तड़पाएगा, थोड़ा तो परेशान करेगा, चार नंबर थोड़ी ऐसे फ्री के बांट देगा नीट का सन की बुड्ढा, थोड़ा सा आपको तड़पाएगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप एक काम करके देख लेना आज घर पे, इसको डब्बे वाले मेथड से भी सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। बोलो यस सर, चले फिर आगे। हाँ सर चलते हैं। गुरुजी वंस मोर, मतलब एक मौका और दीजिए ऐसा सवाल को हमको सॉल्व करने के, 2021, वाह बहुत बढ़िया, 2021 का सवाल है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या सवाल है, वही जो अभी सॉल्व किया, एक बार पढ़ लेते, साथ में मिलके पढ़ते हैं, फिर आप ट्राई करना। बोल रहा है इन द प्रोडक्ट एफ वेक्टर बराबर क्यू वी क्रॉस बी, बोल रहा है क्यू एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर की जगह क्या दे रखी है भाई ने, BI cap + BJ cap + B0 k cap, ऐसा वो खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, आप देख सकते हैं आपके सामने है सवाल, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी में क्यू वी बी की जगह क्या दे दिया, मतलब बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड की जगह आपको क्या दे दी, BI cap BJ cap + B0 k cap, मतलब यहां पे खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आई और जे के मैग्नीट्यूड सेम है, आई और जे के जो कोएफिशिएंट है बी और बी वो सेम है, और के कैप का कोएफिशिएंट कुछ अलग है, ठीक है। फॉर क्यू इज इक्वल्स टू 1, उसने बोल दिया क्यू का वैल्यू कितना ले लो 1, बहुत बढ़िया मजा आ गया। v का वैल्यू खुद ने दे दिया, v वेक्टर कितना बोल दिया उसने, 2i cap + 4j cap + 6k cap, एंड f वेक्टर बोल रहा, अच्छा फोर्स दे रखा है यहां पे, है फोर्स दे रखा है, बोल रहा है f वेक्टर इतना इतना, देन व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर b, व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर b। अब उसने कान सीधा पकड़ने के बजाय क्या किया, उसने कान ऐसा उल्टा पकड़ा है, अभी तक हमको देखो कितने टर्म होते, 1 2 3 4, तो अभी तक हमको क्यू वी भी देख के फोर्स पूछते। अब भाई ने क्या किया, क्यू का वैल्यू 1 कर दिया, वी का वैल्यू दे दिया, एफ का वैल्यू दे दिया, और बी का वैल्यू पूछा, तो गुरुजी तो बहुत टफ हो गया। बिल्कुल टफ नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, एकदम हम इस सवाल के तोते उड़ाएंगे, बाजे बजाएंगे, बोलो ठीक है क्या, यस सर, बोल रहा व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी। अब आप ज्यादा चालू बने, ज्यादा शाणे बने, और आपने सोचा कि मैं ऑप्शन रिजेक्शन से इसको सॉल्व कर दूंगा, कैसे, कि जे कैप और आई कैप का कोफिशियंट सेम होगा और के का अलग होगा, तो आओ देखो नीट का सन की बुड्ढा इतना भी पगला नहीं है क्या। देखो 6 और 6 और -8, मतलब आई और जे के कोफिशियंट यहां भी सेम है, -8 i cap - 8 j cap, आई और जे के कोफिशियंट यहां भी सेम है, -6 - 6, आई और जे के कोफिशियंट यहां भी सेम है, 8 और 8, आई और जे के कोफिशियंट यहां भी सेम है। तो बेटा इतना भी आसान, इतना भी पगला मत समझो नीट के सन की बुड्ढे को, बोलो समझ में आ रही क्या बात। थोड़ा सा उसने घुमा फिरा के सवाल पूछे, 2021 का सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो आप इसको गिव इट अ ट्राई, और फिर मैं समझाता हूं, मतलब फिर मैं सॉल्व करता हूं, आप ये देख लो, अपनी मन की तसल्ली कर लो, ठीक है क्या, यस सर, देख लो भाई फटाफट, देख लिया। अब सुनो, हमें बताएं कि वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, वी का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एफ आएगा, मैं तो वैसे ही सॉल्व करूंगा इसको वो डब्बे वाले मेथड से, कैसे, एफ वेक्टर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, यस सर, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया भाई ने, 1 दे दिया, तो बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब जो वैल्यू वी क्रॉस बी का होगा वही वैल्यू एफ वेक्टर का होगा। हाँ सर, वी वेक्टर कितना है गुरुजी, वी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर कितना है, 2 4 6, 2i cap + 4j cap + 6k cap, बी वेक्टर कितना है गुरुजी, ये दे रखा है BI cap + BJ cap + B0 k cap, ठीक है। अरे फोर्स वेक्टर कितना होता है वो दे रखा है, भले ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू का वैल्यू बदल दी, वी का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया। अब मैं पहले वी क्रॉस बी निकालूंगा, क्या निकालूंगा गुरुजी, वी क्रॉस बी, आओ भाई देखे, डब्बा बना लिया, हाँ सर डब्बा बना लिया, रिवाज के अनुसार, हाँ गुरुजी पता है, आई कैप जे कैप के कैप, और गुरुजी ऊपर लिख लिया प्लस माइनस प्लस, अब तो प्रो हो गए हैं, क्या हो गए हैं प्रो। अब मुझे एक बात बताओ, वी क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, तो पहले वी है फिर बी है, तो पहले, अरे 3 × 3 का भरते हैं,
तो पहले v के कोफिशियंट आएंगे कि b के? गुरुजी पहले v क्रॉस b, तो पहले v के आएंगे कितने? 2, 4, 6, 2, 4, 6. फिर किसके कोफिशियंट आएंगे? फिर किसके कोफिशियंट आएंगे? b के. कितने कोफिशियंट है b के? देखो ना, b b b नॉट. अरे b b b नॉट, b b b नॉट लिख दो. बिना नामों करके करो सॉल्व इसको. गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे जैसे हमेशा डब्बे मेथड में करते सॉल्व, वैसे करो. बराबर सबसे पहले क्या आ गया? प्लस आई कैप, प्लस आई कैप ब्रैकेट, इसको हटा दिया, इसको हटा, मन में हटा दो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया. 4b0 - 6b, अरे इसको और इसको हटाएगा, ये करेगा 4 × b0 - 6 × b. यस सर, बिल्कुल सर. यहां पे लिख दिया आपने 4b0 - 6b, 4b0 - 6b, ठीक है. फिर कौन आ गया? माइनस जे कैप. जी गुरु जी, माइनस जे कैप. फिर ये हटा दिया, हटाने की वैसे जरूरत नहीं, मन में करो. 2b0 - 2 × b0 - b × 6, 2 × b0 - 6 × b, 2 × b0 - 6 × b. यस सर, तो क्या 2b0 - 6. प्लस के कैप, थोड़ा सा तो कष्ट देगा आपको नीट का सन की बुड्ढा. कोई गारंटी नहीं है कि एकदम लल्लू लाल सवाल दे दे क्यू का वैल्यू, वी का वैल्यू, बी का वैल्यू. उसने अब जो है फोर्स का वैल्यू देके आपसे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है ना, ठीक है क्या? यही नीट है, यही नीट है, और यही इस दुनिया की रीत है, सही है. अब प्लस के कैप ये हटाओगे? हाँ सर, मन में हटा लो. 2 × b - 4 × b, क्या समझे? अरे ये हटा दिया, 2 × b - 4 × b, कितना हो गया? 2b - 4b, ठीक है सर, 2b - 4b. अब ये किसका एक्सप्रेशन है? v क्रॉस b का. अब ये v क्रॉस b का एक्सप्रेशन उठा के यहां पटक दिया, v क्रॉस b का एक्सप्रेशन उठा के यहां पटक दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया. यस, तो फोर्स कितना हुआ? q का वैल्यू 1 हो गया. यस सर, और v क्रॉस b कितना है देखो? 4b0 - 6b × i, ये आ गया 4b0 - 6b × i कैप. प्लस या माइनस? गुरु जी यहां पर आएगा माइनस. 2b0 - 6 कितना है? 2b0 - 6, तो ये आ गया 2b0 - 6. थोड़ी सी मेहनत लग रही है दोस्त, पर क्या करें. 2b - 4b, सीधा बैठ जा, आलस मत फैला. 2b - 4b - 2b, तो हो गया 2b - 4b - 2b × k कैप. तो गुरु जी हो गया -2b k कैप, कितना हो गया? -2b k कैप. अब क्या करें गुरु जी? फंस गए? नहीं फंसे नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया. मतलब मान के चलो 99% सवाल सॉल्व हो चुका है. फोर्स वेक्टर दे रखा है आपको, कितना है फोर्स वेक्टर? मुझे बताना कि हमको इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया. फोर्स वेक्टर कितना देखा? 4 - 20 और 12, 4 - 20 और 12, 4 - 20, 4 - 20 और 12. फोर्स वेक्टर इधर ये लिख लिया, कितना आया? 4b0 - 6b i कैप, -j कैप, 2b0 - 6. इस तरीके का सवाल आपको करके मजा आ जाएगा, बोलो. हाँ सर, फोर्स वेक्टर, अरे फोर्स वेक्टर जो दे रखा है और जो क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, उन दोनों को हमने इक्वेट कर लिया. पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं बता देता हूं कहानी अब तक क्या हमने किया है. देखो, आपको फोर्स वेक्टर दे रखा है, क्यू दे रखा है, वी वेक्टर दे रखा है, बी नहीं दे रखा. बी में बस इतना दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, पूरी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरी की पूरी, उसमें आई और जे का कोफिशियंट सेम है, बी और बी, और के का कोफिशियंट कितना है? बी नॉट. ठीक है, आपको बोल रहा है कि कंप्लीट एक्सप्रेशन बताओ बी का. तो मैंने क्या बोला? F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू का वैल्यू 1 हो गया, V का वैल्यू लिख लिया, B का वैल्यू लिख लिया, V क्रॉस B निकाल लिया पूरा ईमानदारी से. यस सर, और फिर फोर्स का पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया जो V क्रॉस B निकाल के है. ये आया B के टर्म्स में. अब जो गिवन है फोर्स का एक्सप्रेशन वो लिख लो. अब मजे की चीज सुनो, LHS और RHS में, ये LHS समझते ना, लेफ्ट हैंड साइड, यस सर, और RHS यानी राइट हैंड साइड में i कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करो, j कैप के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, और k कैप के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो. समझ में आ गई बात? पक्का? कैसे? अब कर सकते हो? अरे हां सर, कर लेंगे सर. i कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया? 4. i कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया? 4b0 - 6b. ओके बोलो. यस सर. j कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया? -20. और यहां पे j कैप का कोफिशिएंट, अरे यहां पे -j कैप लिखा हुआ ना, ऐसे लिख लो. देखो यहाँ पे भी माइनस जे कैप है, यहाँ पे भी माइनस जे कैप है, तो आप इसको उठा लो 20 को. यस सर. और इसको उठा लो 2b0 - 6, एक ही बात है, एक ही बात. यस सर. और यहाँ पे कितना लिखो? के कैप इनटू 12, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 12. और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है के कैप का? -2b. अरे नहीं समझे, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना है? 12 उठा लिया. और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना है? -2b. हो गया -2b. देखो वो आ गया, हो गया बस अपना सवाल सॉल्व. बताऊं कैसे हो गया? 12 इक्वल्स टू -2 भी लिखा है, तो b कितना हो गया? -6. b कितना हो गया? -2. अब एक बार देखते कि खाली इसको ही सॉल्व करके अपना आंसर आ रहा है क्या ऑप्शन रिजेक्शन से. अरे 12 k कैप और -2b k कैप बराबर है, तो k कैप का कोफिशिएंट यहां से उठा है -2b, यहां से उठा है 12, b कितना आ गया? -6.
देखते बी का वैल्यू माइनस छ, बी का वैल्यू माइनस छ, मतलब यह आना चाहिए माइनस सिक्स आई कैप माइनस सिक्स जे कैप, ये तो प्लस और प्लस सिक्स है, लेकिन बी का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स, ये गलत है, माइनस एट गलत है, प्लस एट गलत है, माइनस सिक्स ये सही है। बिना पूरा सवाल सॉल्व किए भी हमने आंसर निकाल लिया कैसे, अरे बी का वैल्यू माइनस छो आ रहा है ना, इधर देखो बी का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स, तो आंसर आना चाहिए कितना माइनस सिक्स आई कैप माइनस सिक्स जे कैप, जो कि एक ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं सी ऑप्शन। हाँ अगर इसके जैसा एक और ऑप्शन होता तो फिर अपने को यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ती आपके मन की तसल्ली के लिए, है ना, मैं सॉल्व कर देता इसको, बी की वैल्यू माइनस सिक्स आप कहीं भी पुट कर दो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ शायद गड़बड़ करी है, एक मिनट, माइनस जे कैप में है ना, माइनस जे कैप में क्या आएगा, इन दोनों को हटाओगे तो टू बी नॉट माइनस सिक्स बी, अच्छा माइनस सिक्स लिखा हुआ माइनस सिक्स बी आएगा, सॉरी इसको ठीक कर लेते माइनस सिक्स बी, तो टू बी नॉट यहाँ पे भी ठीक कर लेते इसको माइनस सिक्स बी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्स बी, और यहाँ पे भी जब आप कंपेयर करोगे माइनस सिक्स बी, खैर ठीक है, तो अब बी की वैल्यू माइनस छह से आंसर आ रहा है, लेकिन इफ यू वांट तो आप बी की वैल्यू माइनस छह यहाँ पे पुट कर दो तो भी बी नॉट आ जाएगा कितना माइनस एट, और बी की वैल्यू आप माइनस सिक्स यहाँ पे पुट कर दो तो भी बी नॉट आ जाएगा माइनस एट, आपकी इच्छा है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या, यस सर, ये हो गया सॉल्व और अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। बोलो मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, हाँ सर है ना, तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आई होप आपको बताना मुझे आपको इस सवाल में मजा आया कि नहीं, वैसे तो बहुत ललुआ सा सवाल है। बोलो ठीक है क्या, ये सर, तो भाई आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लास्ट क्लास के हमने होमवर्क क्वेश्चन देखे, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो बच गया था सॉलिड सिलेंडर वाला वो देखा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई टू पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, यस सर, जिसको हमने लिख दिया म्यू नॉट जे स्मॉल आर बाय टू, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सॉलिड सिलेंडर में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यस सर, बाहर वाला केस वही है सरफेस पे अभी भी वही म्यू नॉट स्मॉल आई म्यू नॉट आई बाय टू पाई कैपिटल आर, यस सर, फिर बाहर के लिए वही म्यू नॉट आई बाय टू पाई स्मॉल आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ग्राफ देख लिया कैसा आएगा, यस सर, उस पर सवाल लगा लिए पी वाई क्यूज लगा लिए बिल्कुल, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया गुरुजी ने, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार का कौन कौन सा स्केलर और वेक्टर है ना, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया, ए क्रॉस बी चाहिए तो क्या करोगे राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी कर्ल करोगे, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए चाहिए तो राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए कर्ल करोगे, यानी बी से एरो बनाओगे उसमें कर्ल करोगे तो अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, बोलो हाँ है ना, यस सर, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, हाँ दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, कितना ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, फिर देखा थीटा जीरो हो जाएगा तो क्या होगा पैरेलल, थीटा 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर तो क्या होगा थीटा 180 हो जाएगा एंटी पैरेलल तो क्या होगा पैरेलल, और एंटी पैरेलल दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में फिर अपन ने देखा आई क्रॉस आई जीरो जे क्रॉस जे जीरो के क्रॉस के जीरो, फिर आई जे के वो साइकिल बना आई क्रॉस जे जे क्रॉस ए के क्रॉस आई, वो पूरा सिखा दिया, फिर मैंने आपको बताया कि यार मान लो दो वेक्टर्स हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालने की निंजा टेक्निक की पॉइंट सिखाया डब्बा मेथड, याद है 3x3 का डब्बा बनाना है वो क्लियर हो गया, यस सर, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, देखा कि अगर वो चार्जलेस होगा न्यूट्रल होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, रेस्ट पे रहेगा वी जीरो होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स बी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर चार्ज नेगेटिव है, फिर उस पर हमने कुछ सवाल लगा लिए, यस सर, तो आज के लेक्चर का जो मेन अट्रैक्शन था वो तो भाई क्या था वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और पीवाईक्यू का मेला लगने वाला था पर अभी ये जो कंटेंट था वो इस लेक्चर में पूरा नहीं हो पा रहा, तो पीवाईक्यू का मेला अपन नेक्स्ट क्लास में भी लगा लेंगे, यस और नो, यस सर, तो भाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी और क्या पढ़ा हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट, आई नहीं आई फील क्रॉस प्रोडक्ट की, यस सर बिल्कुल सर, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके तो अपने बोर्ड्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, नीट में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना किसी इलेवेंथ के चैप्टर के लिए आएगी और ना ही ट्वेल्थ के किसी चैप्टर के लिए आएगी, बाकी ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, कब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक मिनट, और थैंक यू स्लाइड भी लगा देते हैं भाई, हाँ भाई थैंक यू भाई, क्या लिखा है देख रहा है विनोद, कैसे सर ने आज हमें क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिया, सिखा दिया नहीं सिखा दिया, यस सर बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू।